Okay, so now the program is there. तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि योग जो हम बोल रहे हैं, योगा फॉर द मॉडर्न एज, इस योग आपने ज्यादातर सुना होगा कि योग के बारे में बात की जाती है, योग योगा योग, तो क्या मतलब होता है इस योग शब्द का? क्यों कहते हैं योगा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं? सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड योगा? तब तो हम जानेंगे कि हमारे इस भौतिक संसार के लोगों के लिए कौन सा योगा है, तो कौन बताएंगे? Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस प्रभु जी, योग का मतलब होता है एडिंग, एड समथिंग, जोड़ना। बिल्कुल सही। तो जब माता जी बता रही हैं, अंजू माता जी, कि जोड़ने को कहते हैं योग, यानी कि दो योग दो तो बोला जाएगा कि 2+2, इसको हिंदी में बोलेंगे दो योग दो। तो कभी भी किसी चीज को जोड़ा जाए तो उसको योग कहते हैं। अगर ज्ञान के माध्यम से जोड़ा जाए तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, ध्यान के माध्यम से जोड़ा जाए तो उसे ध्यान योग कहते हैं, है ना, कर्म के माध्यम से जोड़ा जाए तो उसे कर्म योग कहते हैं, और अगर भक्ति के माध्यम से जोड़ा जाए तो उसे भक्ति योग कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, जोड़ना किससे जोड़ना? क्या दो एक फेविकोल के जोड़ को कहते हैं ना, जैसे एक लकड़ी के टुकड़े को दूसरे लकड़ी के टुकड़े से जोड़ देना, तो किससे जोड़ने को योग कहते हैं? राहुल प्रभु बताइए। कृष्ण प्रभु जी, मतलब हमें भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं, रियल योगा मींस जब हम भगवान की से, तो भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं। आज वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे लोग योग करते हुए। सो योग का मतलब है कि हम भगवान से जुड़ जाएं, तो भगवान से जुड़ने के प्रोसेस को योग कहते हैं। सो इस कलयुग में मॉडर्न योग जो है वो क्या है? भगवान से जुड़ना, कैसे जुड़ना है भगवान से? हमने अपने पहले दिन के सेशन में सुना कि हमें खुशी की तलाश करनी है, परमानेंट हैप्पीनेस। हमने पाया कि हमारे पिता का हाथ हमारे हाथ से अलग है। फिर हमने पढ़ा कि क्या सच में कोई पिता है या फिर खाली ऐसी कोई शक्ति है। तो हमने पाया कि भगवान साइंटिफिकली लॉजिकली, यस गॉड इज देयर एंड गॉड इज अ ह्यूमन, इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड कृष्ण वहां पर है। जब हमने ये देख लिया कि भगवान है, अब उस भगवान का नाम क्या है? क्या वो अल्लाह है, क्या वो यहोवा है, क्या वो गॉड है? तो हमने पाया कि हाँ, भगवान का नाम हिंदू धर्म सनातन धर्म में भी कृष्ण का नाम दिया गया और 33 करोड़ देवता उनके सेवक बताए गए शास्त्र प्रमाण के अनुसार। फिर हमने जाना कि मैं कौन हूं। अब भगवान तो जान गए कि कृष्ण है, और मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, और मैं वो आत्मा हूं जो शरीर में रहती, ये भी जान गए। अब इसका संबंध क्या, आपस में रिलेशन क्या है? एक आत्मा का भगवान से रिलेशन है, मैं उनका इटर्नल सर्वेंट हूं, मैं उनका नित्य दास हूं, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन मैं इतने कष्ट क्यों भोग रहा हूं अगर मैं भगवान का दास हूं? तो हमने पढ़ा कि मैं अपने ही कर्मों के कारण खुद की संरचना करके मैंने ये दुखमय संसार को क्रिएट किया है। सो आई क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माय डिजायर्स, अपनी इच्छा के कारण। भगवान हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उन्होंने हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए एक सुंदर भौतिक संसार की रचना की। लेकिन साथ में हमने, क्योंकि भगवान से विद्रोह किया, उनके घर में सुख से नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने यहाँ भेज दिया, और यहाँ आकर के अब हम बड़े सुख से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रह नहीं सकते क्योंकि इसे जेल बताया गया। जेल के अंदर दंड दिए जाते हैं, जेल के अंदर दंड देने के साथ साथ शुद्धिकरण किया जाता है, वस्त्र परिवर्तन किया जाता है, हथकड़ियां डाली जाती हैं। तो हथकड़ियां थी 3 गुण हमने सुना, और वस्त्र थे योनियां, 84 लाख प्रकार की योनियों में से एक योनि प्राप्त करते हैं। तो कल के सेशन में हमने ये सब जान लिया। हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा? जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमें पता चला कि जो हमने पहले किया था वो आज निकलता जा रहा है, कि पूरा खराब ही खराब निकलता जा रहा है, और जो आज अच्छा कर रहे हैं वो तो ऊपर से ओवरलोड किया जा रहा है। तो अब अंत में ये समझ में नहीं आता कि मैं भगवान के घर से आया, यहाँ पर आया, तो मैं भूल क्यों गया भगवान को? क्यों मैं भूल गया? क्यों मुझे इतने दुख सता रहे हैं? क्या तरीका है यहाँ से वापिस जाने का? तो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, और स्टोरी के माध्यम से, उस कथा के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वापिस पुनः भगवान को कैसे समझा जा सकता है, कैसे समझें उन भगवान। तो देखिए, एक सुंदर स्टोरी है कि एक बार एक पैसे वाले व्यक्ति का एक पुत्र था। जैसे मान लीजिए आज के जमाने में
अंबानीज हैं, अडानीज हैं, बिरलाज हैं, टाटाज हैं, वेरी रिच फैमिलीज, ऐसे बहुत धनवान राजसी परिवार में एक पुत्र था। पुत्र को बड़ा शौक था हाई स्पीड कार चलाने का, जैसे आजकल होता है बच्चों को और ज्यादातर यंगस्टर्स। हाई स्पीड में कार चला रहा था, कार चलाते 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 उसकी गाड़ी जो थी पहाड़ी इलाके में ऊपर से नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी तो वहां पर कार में आग लग गई, तो वहां के जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे उन्होंने कहा, ओ सर आपका बेटा गुजर गया, कार एक्सीडेंट में वो मर गया। लेकिन वो मरा नहीं था, उसकी कार जल गई थी वो, लेकिन बाहर गिर गया था और वहां पर रहने वाले किसी भील कम्युनिटी, जो अनसिविलाइज्ड कम्युनिटी थी, उन्होंने उठा लिया ला करके अपने पास रख लिया। और उसने पूछा लोगों ने, तुम्हारा नाम क्या है? आ, 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 वो भूल गया था बोलना भी, नाम ही नहीं मालूम था उसको। बोले अरे इसको तो नाम ही नहीं पता लगता है, अपनी याददाश्त भूल गया है। तो बोले तुम्हारा नाम, तुम्हारा राम हम दे देते हैं। तो उन्होंने भील कम्युनिटी के जो थे लोग, उन्होंने अपना नाम दिया, एक माता पिता रख दिए, क्या इनका कोई पुत्र नहीं है, इनको पुत्र मिल गया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। काम क्या करते हो? काम भी नहीं पता, भूल गया। अच्छा हम ही क्या करते हैं, जंगल के अंदर काम करते हैं और इस खेती करते हैं, और किसान इस खेती के अंदर हम काम करते हैं, और इस किसान किसानी का काम करते हैं, तुम दूसरे खेत में जाकर के काम करो, कपड़ा बुनो, किसान का काम करो, फसलें काटो, यही तुम्हारा काम। ठीक है, अब वो रहने लगा भील का पुत्र। अब एक दिन वो बाजार में सामान लेने गया था, 10 वर्ष बीत चुके थे उसको गुजरे हुए, एज पर दी बड़े आदमी के अनुसार, मेरा पुत्र मरे वो 10 साल हो गए। उनके उनके जो ऑफिस के लोग थे, उन्होंने एक दिन देखा बाजार में, बिल्कुल सर का जो बेटा था ना, उनके उनके बेटे जैसा है वो, तो उस दिन से खाना खाना छोड़ दिए हैं, दवाइयों पर रहते हैं, चलो एक बार ले जाकर इनके पुत्र को उनसे मिलवा देता हूं तो शायद उनके अंदर प्राण वापिस आ जाए। तो उन्होंने जाकर की खबर दी कि देखिए आपका पुत्र अभी जीवित है। अभी जीवित पुत्र की खबर मिली तो पहुंच गए अपने पुत्र को लेने के लिए। आवाज लगाई, अरे बेटा, अरे मेरे बेटे आ जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। बेटा बोला, नहीं 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 आप गलत हैं, मेरा नाम भीलू है, मैं इस भील जाति का रहने वाला हूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। बेटा तुम मेरे मेरे पैसे वाले का घर क्यों? नहीं नहीं मैं इस गरीब घर का हूं। कई बार समझाने पे भी नहीं समझा, तो वे बड़ा आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को जाके कहता है, देखिए डॉक्टर साहब मेरा बेटा था, एक्सीडेंट हुआ, कार जल गई, वो बच गया, लेकिन अभी मैं बोलता हूं तो न जाने वो क्या कहता है, कहता है मैं भीलू हूं, अजीब अजीब सी बातें करता है, मुझे अपना पिता नहीं मानता। तो डॉक्टर ने कहा इनको ना इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो शायद इनको अपनी याददाश्त वापिस आएगी। तो इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, झेंग पूरा हिला के रखा। जब इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए तो उसको याद आया, ओ ये है मेरे पिता, ओहो मैं तो यहाँ गरीब घर में सोच रहा था ये मेरे पिता है, पिताजी तो ये है मेरे। और पिता को गले लगा लिया, और एक ही रात में दोबारा से कई गाड़ियों का मालिक, कई बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया। सेम सिचुएशन इज विद अस, हमारे साथ भी वही हुआ। भगवान के घर पे थे, गाड़ी चला रहे थे, ऊपर भगवान के धाम से नीचे गिरे, इसीलिए हमको बोला जाता है फॉलन सोल। लोग बोलते हैं आई एम ए वेरी फॉलन सोल, व्हाई आई एम फॉलन, बिकॉज आई फॉल फ्रॉम मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू द मटेरियल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में मैं गिर गया तो मैं फॉलन हो गया। फॉलन सोल नीचे गिरी, आकर के यहाँ के लोगों ने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा क्या बोलता है, पता नहीं होता, बोलना नहीं होता। तो माता पिता ने एक नाम दे दिया, तेरा नाम सोनू है, बबलू है, पिंटू है, टिंकू है, चिंकी है, पिंकी है, सारे नाम दे दिए माता पिता ने। अभी नाम मिल गया तो बड़े खुश हो रहे, यही है मेरा नाम, यही हूं मैं। तो भगवान के जो भक्त है वो देख लेते हैं, नहीं नहीं ये तो वो कृष्ण का पुत्र है, ये कहाँ गिर गया, भटक गया, चलो कृष्ण को बताते हैं। भगवान कृष्ण आपका एक पुत्र है, घूम रहा है संसार में। भगवान कहते अच्छा चलो मैं आता हूं, डॉक्टर को साथ लेके आता हूँ। डॉक्टर कौन है? भगवान भोलेनाथ, शिव जी और दुर्गा माई, ये दोनों भक्त डॉक्टर हैं। दोनों डॉक्टर आते हैं और आकर के कहते हैं चलो तुम्हारे पिता के पास। कह रहे नहीं नहीं मेरे पिता तो ये हैं जो घर में बैठे हैं, मेरा प्रोफेशन तो ये है,
मैं डॉक्टर हूं, मैं आईटी इंजीनियर हूं, मैं बैंक मैनेजर हूं, मैं लॉयर हूं, ये नहीं है। तो शिव जी और दुर्गा जी कहते हैं ये तो बड़ा मेमोरी लॉस का केस हो गया है। अब इसमें ये जो मेमोरी लॉस हुआ है ना, और साथ में जो इसने सिजोफ्रेनिक इफेक्ट दिखा रहा है ना, ये पागलपन का जो सिजोफ्रेनिया दिखा रहा है, इसको शॉक देने पड़ेंगे। तब तीन ताप, त्रिविध ताप कहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। त्रिविध ताप दिए जाते हैं उस आदमी को, तरह तरह से सताया जाता है, ओहो हो दुख में टूट जाता है पूरा। तब भगवान का याद आता है, वो ये है मेरे प्रभु, ये मेरे पिता थे, मैं कहां किसको अपना पिता मान रहा था। फिर जैसे पिता से कनेक्शन होता है, वापस से आप देखें साम्राज्य प्राप्त हो जाता है उसको, आनंद का साम्राज्य मिल जाता है। वो जो डिप्रेशन था वो चला जाता है, वो जो एंजाइटी थी वो चली जाती है, वो आनंद के साम्राज्य का मालिक हो जाता है। रातों रात भगवान का भक्त बन जाने से आनंद का मालिक हो जाता है। लुनिया कहती है आप इतने शांत कैसे रहते हैं, क्या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसे कई बार डिवोटीज मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी आप रात दिन लेक्चर देते रहते हैं, बीमारी होती है तब भी आप थकते नहीं है, ऐसा क्या खाते हैं? मैं कुछ नहीं, प्रभु के साम्राज्य के नौकर हो जाने से हमें वही मिलता है जो प्रभु खाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा आदमी रोल्स रॉयस का मालिक है, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अब रोल्स रॉयस का मालिक जिस होटल में जाएगा वहीं तो उसका ड्राइवर भी जाएगा। अब वो ड्राइवर अपने घर जाके बताएगा, पता है आज मैं ना 7 स्टार में खाना खा के आया हूं। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरा मालिक वहां जाता है। तो कृष्ण जितने आनंद में गोलोक में रहते हैं, उनका भक्त भी उतने आनंद में उनके साथ रहता है। तो अगर हम भगवान की खाली दास ही बन जाएं, उनके साथ अपना संबंध जोड़ लें, तो वो जो आनंद में कृष्ण रहते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो आनंद आपके आपके उस घर में, उस फ्लैट में, उस वन रूम सोसाइटी से फ्लैट के अंदर, 2 रूम फ्लैट में 5 रूम फ्लैट में आनंद बरसेगा आपके घर के अंदर। आप आनंदित हो जाएंगे, साम्राज्य के मालिक हो जाएंगे। पड़ोसी बोलेंगे यार तुमको टेंशन नहीं होती? नहीं, मैं तो आनंद का भंडार हो गया, मेरे पास चला गया दुख का समय, दुख के दिन बीते रे भैया, सुख के दिन आयो रे। तो वो सुख का दिन कैसे आता है, बस ये सोचना है कि अब हम कृष्ण के हैं, है ना। दुनिया सिखा रही है, मैनी सोसाइटीज आर टीचिंग ट्राई टू बिकम गॉड, भगवान कैसे बनेंगे, लेकिन इस्कॉन सिखाता है भगवान का नहीं बनना, भगवान नहीं बनना है, भगवान का बनना है। सो वी कैन नेवर बिकम गॉड बट वी कैन बिकम गॉड्स, हम गॉड के बन सकते हैं लेकिन गॉड नहीं बन सकते। एक बार भगवान के बनकर देखिए, वो सारा सुख जो भगवान का है वो सुख आपको प्राप्त होगा, आपके घर भी आनंद, नित्य प्रतिदिन उत्सव होगा, और उत्सव होगा तो उत्साह होगा, उत्साह होगा तो प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता होगी तो फिर वहां दुख की तो जगह ही नहीं। जहां सूरज होता है वहां अंधकार रह सकता है क्या? लोग बोले बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है। एक बार प्रकाश निकलता है सूरज का, रोशनी रोशनी हो जाती है। कभी ये कोई नहीं कह सकता दोपहर के 12 बजे अंधेरा ही अंधेरा था। कैसे है? दोपहर के 12 बजे तो सूरज चमक रहा है, अंधेरा कैसे है? तो अंधेरा का कारण है सूरज का ना होना, यानी कि दुख का कारण है कृष्ण का ना होना। एक बार कृष्ण जीवन में आ जाए दुख तो हो ही नहीं सकता, इट विल नेवर नेवर बी देयर। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के आ जाने से दुख तो समाप्त हो जाएगा। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां है कृष्ण वहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण तो सूर्य सम है, उनके आ जाने से माया का अधिकारी अधिकृत क्षेत्र समाप्त हो जाता है। ऑल दी डार्कनेस डिसिपिएट्स द मूवमेंट सन अराइजेस, सिमिलरली द माया डिसिपिएट्स द मूवमेंट कृष्ण अराइजेस, द सोरो डिसिपिएट्स द मूवमेंट द कृष्ण कॉन्शियसनेस द कृष्ण नेम अराइजेस। जिस पल कृष्ण नाम आ जाएगा सारी की सारी सौर और दुख डिसिपिएट हो जाएगा, भाग जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि क्या करें ऐसा उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सर टुडे सेशन विल बी ऑन दिस टॉपिक कि हमारा वो भगवान, हमें पता चल गया हमारे पिता कौन है, लेकिन अब ये भीलू अपने पिता को प्रसन्न कैसे करे? पिताजी तो उदास है, इतने सालों से संबंध टूटा हुआ था, अब वो संबंध पुनर्स्थापित कैसे किया? पता तो चल गया मेरे पिता कौन है लेकिन पिताजी अब बात नहीं करते, पिताजी के साथ मैं भूल गया हूँ 10 साल में उनको क्या पसंद था, क्या खाते थे। फिर उनके साथ सीखना पड़ेगा चीजों को, तो वो सीखने का प्रोसेस क्या है वो आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके टुडे सेशन। तो मैं आनंद की खोज का आज
अंतिम सेमिनार दे रहा हूँ DYPH, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। इसके बाद हमारा सर्टिफिकेशन सेशन होगा, रियलाइजेशन शेयरिंग होंगी, क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे और फिर गीता कोर्स चालू होगा। सो आप लोग जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप में रहिएगा, खाली कोर्स करने के लिए आए करके चले गए तो ये कोर्स की हैप्पीनेस जो है वो न जाने कितने समय तक टिक पाएगी। सो मैं इस्कॉन द्वारका से एसोसिएटेड हूँ, मेरा फोन नंबर ईमेल आईडी आपके सामने है, आप अगर आप चाहें तो इससे मुझे संपर्क कर सकते हैं। आधुनिक युग के लिए योग क्या है? योग शब्द का अर्थ है, योग का संस्कृत में अर्थ है जोड़ना, खुद को सर्वोच्चता से जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। यानी कि आंख बंद करके बैठ जाएं भगवान से ध्यान में तो उसे ध्यान योग कहते हैं। जब हम शास्त्र पढ़े हैं और भगवान से जोड़ने की कोशिश करें उसे ज्ञान योग कहते हैं। हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म के माध्यम से कृष्ण से जुड़े उसे कर्म योग कहते हैं। लेकिन हम भगवान के लिए ही सब कुछ करें सुबह से रात तक, उसको भक्ति योग कहते हैं। तो योग जो है शब्द, उसके 8 लिम्स होते हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा। तो उसमें क्या क्या लिम्स होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट लिम होता है अष्टांग योग में। तो हम अभी बात कर रहे हैं अष्टांग योग की, अभी भक्ति योग की बात नहीं कर रहे हैं, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। क्योंकि लोग योग सबसे समझते हैं कि हमें शारीरिक योगा पे ज्यादा बल देना चाहिए। और देखें जगह जगह गली मोहल्ले में इतने सारे योगा सेंटर्स खुले हुए, हर जगह योगा 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 हो रहा है। तो इस योगा में ये जान करके बड़ा दुख लगेगा कि जो वो योगा पार्कों में चल रहा है वो योगा भी पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं, कंप्लीट नहीं। तो इसमें 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, सेंस कंट्रोल करने को कहते हैं यम। यानी कि कुछ चीजों को मैं नहीं करूंगा, ये प्रण लेना होता है, आई विल नॉट डू दिस थिंग्स फ्रॉम नाउ, उसको कहते हैं यम। यानी योग अगर करना है तो योग का एक अंश है, एक पार्ट है, एक लिंब है यम, सेंस कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। दूसरा है नियम, मैं सारे नियमों को दृढ़ता से पालन करूंगा। तो यम का मतलब होता है डोंट्स और नियम का मतलब होता है डूस, ये मुझे रोज करने ही पड़ेंगे, डूस। तो डोंट्स एंड डूस। आसन, बैठने की मुद्रा, कैसे बैठूं, कैसे चलूं, ये अष्टांग योग में जरूरत। प्राणायाम, श्वास की प्रक्रिया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथ कंट्रोल कैसे करूं, सांस कब लेनी है कब छोड़नी है ना, अलोम विलोम, कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं। प्रत्याहार, इंद्रिय भोग से इंद्रियों को वश में करना, यानी कि जो इंद्रिय भोग में लगी इंद्रियां हैं उनको, इंद्रियों को वहां से डॉफटेल करना है और योग की ओर मुड़ना है। धारणा यानी कि एकाग्र चित्ता, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, ध्यान यानी मेडिटेट होकर के, और समाधि में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो यह है अष्टांग योग, बड़े नियम है इसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। लेकिन आज लोग क्या फॉलो करते हैं, ना यम फॉलो करते हैं ना नियम फॉलो करते हैं, खाली आसन और प्राणायाम को कहते हैं हम योगा करते हैं, योगा नहीं करते, योगा के ऊपर मजाक करते हैं, योगा के ऊपर मजाक चल रहा है संसार में, है ना। योग कहाँ कर रहे हैं, योग कर रहे होते तो सारे योगा वाले जितने पार्क में सब भगवान से जुड़ गए होते, क्योंकि योग शब्द का मतलब तो भगवान से जुड़ना है। तो शरीर की कसरत करना योग नहीं है, इसको हम एक्सरसाइज कह सकते हैं, योग कैसे कह सकते हैं। लेकिन प्राय हमारे समाज में क्या हो गया, 1857 की बात है, 1857, उस समय वर्ल्ड में एक व्यक्ति आए ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजे गए, उनका नाम था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे, ईयर हो सकता है आगे पीछे मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, बट उस एरा में आए। लॉर्ड मैकॉले बहुत बड़े लॉयर थे, लेकिन उनका मन था पॉलिटिक्स में जाना। तो उनको सरकार ने कहा कि ठीक है आप जाओ और जाकर के पढ़ो भारत के पास में ऐसी क्या धरोहर है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोसाइटी, किस कारण से इतने पावरफुल हैं कि सोने की चिड़िया कहलाता है भारत देश। तो उन्होंने पाया रिसर्च करके कि इनके पास दो पावरफुल टूल हैं, एक संस्कृत और दूसरा इनकी जो एग्रीकल्चर है, खेती किसानी जो है। तो कल्चर ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ये दो चीजें बड़ी पावरफुल हैं, अगर इन दोनों हड्डियों को तोड़ दिया जाए, बैकबोन को, कल्चर एंड एग्रीकल्चर, सब हम इंडिया पर रूल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का साम्राज्य पावरफुल होता गया। कल्चर को कैसे तोड़ा जाए,
इंग्लिश इंट्रोड्यूस करा दो, इंग्लिश के प्रवेश कराने से अंग्रेजी भाषा के, हमारे जो वैदिक शास्त्र है वो संस्कृत में है, और बाकी जो समाज में बच्चे आएंगे नई जनरेशन वो तो अंग्रेजी पढ़ रही होगी, तो वो कभी उस गैप को फिल ही नहीं कर पाएगी कि लिखा क्या था, करना क्या था, होगा क्या, और फिर जो हम इनको सिखाएंगे वो चीजें फॉलो कर, इस तरह बहुत वाइडर गैप आ जाएगा और कुछ सालों में ये हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वेंट हो जाएंगे। आज तक भी वही हो रहा है, आज तक भी वही चीज फॉलो की जा रही है कि आज भी हम व्यक्ति भारतीय स्वदेशी कार्य करके खुश नहीं है, वो व्यक्ति जो है ना इंटरनेशनली जाकर के बड़ा खुश है कि मैं तो जी ना विदेश में काम करता हूँ, विदेशों की कंपनी में काम करता हूँ, वो बड़ा अपने आप को गर्वित महसूस करता है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज करके हम बड़े गर्वित महसूस करते हैं बजाय भारतीय प्रोडक्ट यूज करने। तो हम ये देखते हैं कि हमारे इतना बड़ा गैप आज तक भी चल रहा है, वैदिक सोसाइटी से बहुत दूरी है। हमारा आयुर्वेद, हमारे आचार्य मैथमेटिक्स को दिया भास्कर आचार्य ने, आज कॉलेज के नाम बनाए जाते हैं भास्कर आचार्य यूनिवर्सिटी, खाली यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया लेकिन भास्कर आचार्य की शिक्षाएं कहाँ हैं, जिन्होंने पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को मैथमेटिक्स गणित सिखाया। आर्यभट्ट वो थे, उन्होंने पूरे विश्व को शून्य सिखाया, कहाँ है उनकी, क्या कौन उनको याद कर रहा है ना। हमारी सर्जरी सुश्रुत आचार्य ने सिखाई, जो फर्स्ट सर्जन हुए वर्ल्ड के, कहाँ है उनका नाम, कौन से हॉस्पिटल में बोला जा रहा है ना। चरक संहिता के अंदर चरक जो थे उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया चरक संहिता के माध्यम से, कहाँ है उनका नाम। वांग भट्ट आए, बहुत बड़े बड़े आचार्य आए, लेकिन हम क्यों नहीं इसका यूज कर पा रहे। गैप, अ वेरी बिग गैप ऑफ कम्युनिकेशन गैप, लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज गैप। उसी लैंग्वेज गैप में ये योगा भी इंट्रोड्यूस हुआ कि शरीर की कसरत को योगा शब्द दे दिया गया, लेकिन योगा शब्द का मतलब शरीर की कसरत नहीं है, अष्टांग योग का एक हिस्सा है जिसका जिसकी जिसका टारगेट था, लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति तो भूल गए, शरीर की प्राप्ति हो रही, शरीर को स्वस्थ कर। एक दिन मैं एक पार्क में गया और देखा लोग अपने प्राणायाम आसन लगे पड़े हैं, मछली बन जाते, कुछ लोग उल्टे पैरों को ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग आगे से ऐसे हवा में हनुमान की तरह उड़ते हैं, पवन पुत्र बन के बहुत सारी सारी क्रियाएं करते हैं। तो बूढ़े बूढ़े लोग भी होते हैं, तो मैं देखता हूं कि वो कुछ लोग रोल करते रहते हैं बॉडी को, लेफ्ट राइट रोल करते, और अपना मोबाइल भी रखते पास में, उसमें भजन गाने लगा के रखते हैं, और 15 मिनट की कसरत के बाद 1.5 घंटा लेटे लेटे बातें करते हैं वहां पर, है ना, दुनियादारी की पॉलिटिक्स की प्रजल्पा करते हैं। तो मैंने उसमें से एक व्यक्ति से पूछा, आप इतनी हार्ड स्ट्रगल करते हैं, रोज आते हैं, क्यों आप इतनी मेहनत करते हैं प्राणायाम ये सब। तो बोले कि मेरा ना लिवर खराब हो गया है। लिवर क्यों खराब हुआ है आपका? बोले मैं पहले बहुत अल्कोहल लेता था, बहुत नॉनवेज खाता था, इसलिए मेरा लिवर खराब हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी दुख की बात है, आप योगा से कुछ फर्क है? कह रहे हाँ, हमारे जो टीचर हैं योगा आचार्य जी, उन्होंने बोला है बस 1 महीना और लगेगा, बिल्कुल लिवर जो फैटी लिवर खत्म हो जाएगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा फिर आप क्या करेंगे? बोला फिर से मैं वेट कर रहा हूं उस दिन का कि कब दोबारा नॉनवेज खाऊंगा, कब दोबारा अल्कोहल पीऊंगा। तो उसका क्या फायदा, क्या ये भगवान से जुड़े? ये भगवान से तो नहीं जुड़े। क्या यम नियम का पालन किया, डूज एंड डोंट्स का फॉलो किया? नहीं। क्या आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना पूर्ण योगा है? नहीं। हमारे बीच में हमारे योगाचार्य भी हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी से हम सुनना चाहेंगे। प्रभु जी आपका कुछ मत है इस पर, कुछ कहना चाहेंगे आप योगा शब्द में, जो आपने इतने वर्ष गुजारे सिंगापुर और विदेशों में, जगह जगह पर आपने योगा के क्लासेस दिए, क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक हियर फॉर फ्यू मिनट्स। मैं एग्री कर रहा हूँ प्रभु जी आप जो कुछ कह रहे हैं, बिकॉज योगा जब मैं लोगों को सिखाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि भैया योगा मतलब आसन ही नहीं है, प्राणायाम ही नहीं है, बहुत कुछ है और बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। इसकी स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योगा इज अहिंसा। यम में 5 आते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय प्रत्याहार, अहिंसा सत्य अस्तेय और शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये चीजें जो है इसके अंदर आती है। अहिंसा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा। कोई फॉलो नहीं करता, हर वही बंदा जो योगा सिखा रहा है वही लड़ रहा है, और जो सीख रहे हैं वो खुद वो भी लड़ रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं।
अहिंसा सत्य सत्य है ही नहीं, अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच चीजें हैं जो योगा के यम में आती हैं। दीज आर द फाइव डोंट्स दैट वी हैव टू प्रैक्टिस। उसके बाद जो नियम आते हैं, नियम में है शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मीन्स सरेंडरिंग टू गॉड, शौच मीन्स क्लीनिनेस। तो ये चीजें कोई फॉलो नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज जंपिंग इन टू द 11th, द सेकंड, द थर्ड स्टेज विच इज कॉल्ड एज आसन, और उसको भी मतलब दे आर डूइंग एज अ स्ट्रेचिंग, वो आसन नहीं कर रहे हैं, वो लोग जिम्नास्टिक कर रहे हैं, और उसको कहते हैं कि हम लोग, मैंने योगा किया आज। मैंने कहा क्या किया? बोला 1 घंटा योगा किया। क्या किया? कुछ स्ट्रेचिंग करिए। तो दैट स्ट्रेचिंग इज नॉट योगा। और सिमिलरली प्राणायाम में भी देर आर लाइक, किस तरह से आप इनहेल करेंगे, किस तरह से एक्सहेल करेंगे, जब आप इनहेल करते हैं तो आपके बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, पेट अंदर जाना चाहिए। मैं लोगों को बोलता हूँ सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है बाहर जाता है, बोलते नहीं छाती बाहर निकलती है, मतलब छाती बाहर निकलती है, पेट बाहर निकलना चाहिए। जब आप सांस अंदर लेते हैं पेट फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, लोगों को यही नहीं मालूम है, और प्राणायाम कर रहे हैं। इसीलिए तो कोई परिवर्तन नहीं है प्रभु जी उनकी लाइफ में, जैसे थे के वैसे ही है, वही भोग है, वही विलास है, वही खाना वही पीना, बस 2-4 किलो वजन कम हो जाता है। वो तो आदमी अपने बेड पर लेटे लेटे भी रोल करेगा तो वजन कम हो जाएगा उसका 1-2 किलो तो। राइट राइट, वेरी ट्रू प्रभु जी। सो इसको लोगों ने योगा योगा कर दिया, अपने ट्रैक सूट खरीद लेंगे, शूज खरीद लेंगे और पार्क में चले जाएंगे, समय लगाएंगे, परिवार सोचेगा बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, योगा कर रहे हैं जी योगा, वो योगा में एकदम भोगा की तरफ चले जा रहे हैं, भोगी भोग भोगी भोग, कोई कोई कनेक्शन ही नहीं, गॉड का तो नाम निशान नहीं है, प्रजलपा चल रहे हैं पार्कों में, अखबारों की चर्चा चल रही है, पॉलिटिक्स की बातें चल रही है। सो दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम एक्चुअली। सो थैंक यू संजय प्रभु फॉर गिविंग द इनपुट्स। तो हम आगे चलेंगे कि आप, भगवान ने अर्जुन को भी ये सिखाया, लोग बोलते हैं ना गीता में, जी गीता में तो भक्ति योग के साथ साथ ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, आपके स्कॉन वाले तो खाली भक्ति भक्ति की बातें करके, ध्यान सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ। सो मेडिटेशन को सुनते हैं जरा, मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे ध्यान लगाया जाता है, देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के ऊपर लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे बस मेट्रो में यंग बच्चे मिल जाते हैं, सर आप मेडिटेशन सिखाते हैं? मैंने कहा हाँ जी सिखाते हैं। क्या आप हमको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं? मैंने कहा हाँ जी कर देते हैं। तो क्या, मैंने कहा आप मेडिटेशन करते हो? हाँ करते हैं। क्या करते मेडिटेशन? जी हमारे सर सिखाते हैं कि आंख बंद करके बैठो और सारे विचारों को आना बंद कर दो, ऐसी कोशिश करो सारे विचार आने बंद हो जाए। मैं कहा फिर क्या होता है? कह रहे लेकिन हमें आज तक एक बात समझ में नहीं, हम सारे विचारों को आना बंद कर देते हैं लेकिन एक विचार हमेशा चलता रहता है। मैंने क्या? कहते हैं कि एक विचार ये चलता है कि सारे विचारों में से कोई विचार आना जाए तो ये विचार तो हमेशा चलता रहता है, तो सारे विचार तो कभी भी शून्य हो नहीं सकते और फिर हम कभी मेडिटेट कर ही नहीं पाते। तो फिर ये क्या है? वो भी एक 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 प्रकार से ऐसे जैसे पुराने जमाने में राजा होते थे, जब किसी को दंड देते थे तो उसको पानी में डुबोते थे, गुड़ 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 गुड़, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता था सांस, फिर पानी में गुड़ 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 गुड़। वैसे ही है दुखमय संसार में, आदमी पागलों की तरह काम किया जा रहा है, लैपटॉप पे मोबाइल पे शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े भरे हुए हैं, खाना भरा हुआ है, फिर भी जा रहे हैं शॉपिंग पे रोज, 10 कोट घर में रखे फिर 2 कोट खरीद लाए, पैसे कमा रहे हैं दिखाने के लिए, दिखाने जा रहे हैं कमाने के लिए, खा रहे हैं दिखाने के लिए, पता नहीं क्या कर रही है लाइफ, पूरा एकदम टॉपसी टर्वी लाइफ है। ऐसी लाइफ में कोई बोले अरे भाग दौड़ बंद करो, 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठो, आप बैठ जाते हैं, हाँ हाँ गुरु जी बहुत आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि आज तक आप बैठे ही नहीं, आप तो भाग ही रहे थे। अगर रेसर हो भागते भागते 5 मिनट के लिए बेंच पर बैठ ही जाए उसको आराम मिलेगा, लेकिन आराम हो जाना ही पर संपूर्णता को प्राप्त कर लेना ये नहीं है, दिस इज नॉट द कंप्लीट साइंस। बहुत बड़ा ये छलावा है मेडिटेशन मेडिटेशन के नाम पे, व्हाट विल यू मेडिटेट, होम यू मेडिटेट, फोकस ही नहीं है मेडिटेशन का कोई। सो मेडिटेशन कंसंट्रेशन, लोग बोलते हैं हमारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते, कंसंट्रेशन मेडिटेशन डूज डोंट्स यम नियम प्राणायाम आसन ऑल आर द लिम्स ऑफ अष्टांग योगा, ये सब अष्टांग योग के हिस्से। लेकिन भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ये बात बताए, अर्जुन से कहा अर्जुन आर यू रेडी, अष्टांग योग करने के लिए तैयार हो? क्या करना पड़ेगा? बोले आंख के मोती होते हैं ना, ये जो होते हैं बॉल्स आई बॉल्स, इनको नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना पड़ेगा, 100 सालों तक एक स्थान पर पद्म आसन में यानी आलती पलती मारकर बैठना पड़ेगा, मेरुदंड यानी बैकबोन को सीधा रखना पड़ेगा। चलिए हम सब लोग जो जूम पर हैं अष्टांग योग को ट्राई करते हैं, ठीक है?
सब लोग बैठ जाइए बिल्कुल सीधे होकर के स्ट्रेट. लेट्स सी हाउ लॉन्ग वी कैन डू. ओके सो सीधे होकर के बैठना है. आपको नाक के अग्र भाग पर केंद्रित करना है. मेडिटेशन करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना. मॉडर्न योगा है ना, बिल्कुल इधर देखना है ऐसे करके. और बैकबोन सीधी रखनी है बिल्कुल. एक मिनट का टाइम लूंगा मैं आपका. एक मिनट तक हमको नाक के अग्र भाग पर देखना है. मुझे मत देखना, जूम को मत देखना, नाक को देखना अपनी, ठीक है. यस तो आप लोगों को बताना है कि कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को इसमें नाक के ऊपर लगा करके. क्या रियलाइजेशन आ रहे हैं आपके? एनीबडी कैन शेयर कैसा मजा आया आप लोगों को? ओके अनुराधा माता जी बताएं. हरे कृष्ण बोलो. क्या एकदम से यहाँ से लेके पूरा बैक से ऐसे कुछ भय जैसा लग रहा है और रिलैक्स फील हो रहा है. जब मेडिटेशन से हम आ गए तो रिलैक्स हो रहा है. प्रभु जी बैकबोन में स्टिफनेस महसूस होती है और थोड़ी देर बाद मुझे लगा चक्कर आने लगेगा मुझे अभी. चक्कर तो सच बात है चक्कर है तो. यस निधि यादव माता जी. प्रभु जी जैसे उसमें आई बॉल्स को नोज टिप पे करने को बोला ना तो वो प्रॉपर नहीं है, मतलब भाग रही है इधर उधर. हाँ भाग रही है तो पकड़ना मुश्किल है. और इतना कितने साल करना है पता है? 100 ईयर्स करना है. हमने सिर्फ 2 मिनट किया है. 100 ईयर्स करना है. यस मंजू शरण माता जी. मुझे तो डबल दिखने लग गए प्रभु जी. डबल राहुल प्रभु. प्रभु जी बस यही लग रहा था कब कोई मतलब 1 मिनट हो, मतलब स्ट्रेट रखना और फोकस करना हो नहीं रहा था ज्यादा. 1 मिनट का पूरा हो जाए. यस ओके नेहा माता जी. प्रभु चक्कर आ रहा था पूरा. चक्कर आ रहे थे. यस सो आप देखिए मेडिटेशन के नाम पर क्या चल रहा है ना. गाने लगा देते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के. तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा ऑर्गेनाइजेशन का. एक बार मुझे एक बहुत बड़े मेडिटेशन सेंटर पर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया. सो मैं वहां चला गया तो वहां पर सब लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, मतलब जैसे गाउन कह सकते हैं, गाउन यहाँ तक का लाल रंग का पूरा, मतलब कहीं बंधा हुआ नहीं था, पूरा खुला हुआ था. प्रेत प्रेत के जैसा बोला, एकदम ढीला ढीला सा. और सभी रेड कलर के कपड़ों में थे, डिसाइपल्स भी गुरु भी. बस गुरु जी के में गोल्डन गोल्डन थोड़ी लाइनें थी, बाकी सब डिजाइन. तो मेरे पास इन्विटेशन आया था तो मैं चला गया. मैं वहां गया तो उन्होंने कुछ ऐसे ही लेक्चर्स वगैरह दिए योग के ऊपर और बहुत सारी चीजें थी. उसके बाद में फिर उन्होंने ऐसे ऐसे करके डांस करना शुरू किया, अपना रिलैक्स किया बॉडी को. म्यूजिक पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा था, सब गोल गोल अंधेरे में डिम लाइट करके नाच रहे थे. अब मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था, मैं अपने चैंटिंग कर रहा था बैठा हुआ. मैंने कब मौका मिलेगा, मेरा बोलने का नंबर कब आएगा. हाँ तो मैं वेट कर रहा था. फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने जो आज यहाँ बोला यही बात योगा के ऊपर वहां कुछ बताया. तो वहां के जो टीचर थे तो वो बड़े खुश हुए लेक्चर के बाद में. और फिर उन्होंने पॉकेट में से एक कार्ड निकाला और मुझे कहते हैं मैं भी आपका लाइफ मेंबर हूँ. तो मैंने कहा कि अच्छा लाइफ मेंबर हो इस कौन के, और अपनी एक सोसाइटी खोल रखी है आपने. कह रहे हाँ क्या करें, हर व्यक्ति को तो हाई फाई फिलोसफी समझ नहीं आती है. तो हर एक व्यक्ति सोचता है इससे नीचे वाला कुछ होगा ना. जब आप कभी शॉपिंग करने जाओ तो आपको बेस्ट ब्रांड दिखाया जाए, बोले ये है जीन्स 50,000 रुपए की, ये इंटरनेशनल जीन्स है, ये कभी फटती नहीं कटती नहीं, इसको वॉश की जरूरत नहीं, इसको प्रेस की जरूरत नहीं, रिंकल फ्री है, ये 50,000 रुपए की है. तो आदमी बोलेगा अरे यार बहुत, इसके नीचे वाला कोई मिलेगा 20,000 10,000 5,000 2,000. तो इस तरह से लोग मंत्र में भी करते हैं, भक्ति प्रोसेस में भी करते हैं. अरे वेरी टफ,
प्रभु जी इतना हमसे नहीं हो पाएगा, कोई बीच वाला बता दो रास्ता। तो वो बीच वाले रास्ते पकड़ रखे हैं लोगों ने ना, और फिर बाद में उन्होंने मुझे ड्रॉर खोलकर दिखाया, हम आप ही के हरे कृष्ण महामंत्र की सीडी पर लोगों से डांस करवाते हैं, क्योंकि आज आप आए हुए थे इसलिए आज हमने वो नहीं बजाया, आज हमने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया। So we can see what is all going in the name of meditation centers, and they are charging 2,500 rupees per person per month only for 4 classes. 4 class ke 2,500 rupees charge karte hain. To is tarah ke bahut sare maine jo hai na ye dekhe hain samaj mein. To phas jayenge hum log bhi ye sab chakkaron ke andar na, nachte rahenge choga pehenkar, pehle sharir ke sath nachenge fir pret bankar nachenge nachte rahenge, lekin kabhi bhagwan se connect nahi ho payenge. है ना, सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ये बात बताई तो भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं, हम में से कितने लोग इस योग प्रणाली को अपनाने के इच्छुक हैं? तो आप लोगों ने बताया कि बहुत मुश्किल है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो जाता है, इस तरह से बैठा भी नहीं जाएगा पद्मासन में 100 वर्षों तक। तो 5,000 साल पहले जब परिस्थितियां बहुत अधिक अनुकूल थी, अर्जुन ने इस तरह के योग का अभ्यास करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा। तो अर्जुन ने भी कृष्ण की इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। पिक्चर में आप देख रहे हैं अपने हाथ को सिर पर लगाकर आंखों से अश्रुपूरित नेत्रों से अर्जुन रो रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं कृष्ण, आई कैन नॉट डू इट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, कैसे अपने मन को एकाग्रचित करूं, ये मन तो भाग रहा है, इस मन को एकाग्रचित करना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बाल भद्रदम तस्याम निग्रहम मन्ने वायु एवं सुदुष्करम। मैं वायु को तो वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में करना इज आउट ऑफ माय कॉन्टेक्स्ट, ये तो मेरे से दिमाग के बाहर है, सोच भी नहीं सकता मन को वश में करना। किसने बोला? अर्जुन। कब बोला? आज से 5,000 साल पहले, जब सिचुएशन अच्छी थी, प्योर घी मिलता था, प्योर काउ मिल्क मिलता था, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होता था, ज्यादा पेड़ पौधे होते थे, ऐसे समय पे भी मन वश में नहीं हो रहा। आज सोचते हैं ना, अब लगता है शायद चलो थोड़ा गांव चले जाएं, शायद गांव में जाकर शांति मिलेगी, पेड़ के नीचे बैठकर शांति मिलेगी। अजी शांति आपको मिलने नहीं वाली, क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया था। 5,000 साल पहले ज्यादा पेड़ थे, ज्यादा वहां पर कंफर्ट था, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल रहा था आनंद, तो इसके लिए उन्होंने बोल दिया। और भगवान कृष्ण भी बोल सकते थे उत्तर में कि नहीं नहीं अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मन वश में हो जाएगा, मेहनत करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, असंशयम महाबाहु, महाबाहु इसमें कोई संशय नहीं है, असंशयम महाबाहु मनः दू निग्रहम चलम, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तुवे वैराग्येन च गृह्यते। चैप्टर 6 ध्यान योग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ चीजों को अपनी लाइफ से निकालना होगा, अगर तुम डूज एंड डोंट्स को फॉलो करोगे तो तुम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वश में कर सकते हो। अभ्यासेन तु कौन्तुवे, प्रैक्टिस करो। तो किस चीज की प्रैक्टिस करें? तो 4 चीजों की प्रैक्टिस बताई गई है, ABCD ऑफ भक्ति, स्पिरिचुअल लाइफ की ABCD। इफ यू फॉलो द ABCD, कहते हैं ना अजी अभी तो हम लोग भक्ति की ABCD सीख रहे हैं, तो ABCD को फॉलो करेंगे तो योर लाइफ विल बी इजी, मेडिटेशन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली मेडिटेट है। तो ABCD ऑफ भक्ति क्या है? A इज फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। ऑनलाइन आए, हर सैटरडे संडे क्लास होती है, इस क्लास में जुड़े, ऑनलाइन क्लास में आए। बी इज फॉर बुक रीडिंग, बुक्स पढ़े, प्रभुपाद जी की भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, स्मॉल बुक्स, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मेनी बुक्स, टेक एनी वन बुक ऑफ योर इंटरेस्ट, पढ़िए उसको, बुक रीडिंग। सी इज फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना है। एंड डी इज फॉर डाइट प्रसाद, जब भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे। इस तरह से अगर हम ABCD ऑफ भक्ति फॉलो करते हैं तो इसको कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस, इन 4 चीजों की प्रैक्टिस करनी। वैराग्यं च गृह्यते, 4 चीजों को अपने लाइफ से निकाल देना है, डोंट्स ऑफ भक्ति, ये नहीं करना है। यम नियम, तो नियम हमने सीख लिया, और यम क्या है? यम है स्पिरिचुअल लाइफ का, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स। अगर हम देखें ये 4 चीजों को हम त्यागते हैं और 4 चीजों को करते हैं, भगवान कह रहे असंशय महाबाहु
मना तू निग्रम चलम, मन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तू कौन तू अभ्यास करो कुंती पुत्र, वैराग्यन चक्रियते, चार चीजों का वैराग कर लो, तुम्हारा मन धीरे धीरे वश में होता है। तो भगवान ने अर्जुन को ये प्रोसेस 5000 साल पहले बताया। अब हम देखते हैं आगे कि कलयुग जो युग चल रहा है, जैसे हमने युग पढ़ा था, चार युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर कलयुग। तो श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के चैप्टर 3 वर्स नंबर 52 में लिखा है, कृते यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। जो फल सत्ययुग में श्री विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। वही फल जो कि ध्रुव महाराज ने ध्यान किया था, एक टांग पर 6 महीने तक खड़े रहे। त्रेता युग में त्रेता युग में विश्वामित्र ऋषि ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे। द्वापर युग में जो राजसु यज्ञ किया गया युधिष्ठिर के द्वारा, कलयुग में वही सरलता से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके प्राप्त किया जा सकता है। तो आप ये देख रहे हैं सत्ययुग ध्यान का प्रोसेस है। मेडिटेशन अगर करना हो तो दोबारा सत्ययुग में जाइए, वहां आप मेडिटेशन कर सकते हैं। शरीर की चमड़ी गल जाएगी, हड्डियां निकल आएंगी, आंत इंटेस्टाइन निकल आएगी बाहर, फिर भी आदमी आंखें नहीं खोलेगा, मेडिटेट करेगा, 100 वर्षों तक बैठा रहेगा एक जगह पर। और खाली ये नहीं कि तपस्वी करते थे, ऋषि मुनि करते थे, बड़े बड़े असुरों ने, हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्षों तक एक अंगूठे पर खड़े होकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी सत्ययुग के अंदर। तो सत्ययुग इज अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन करने का आपको शौक है तो आप दोबारा जन्म लीजिए सत्ययुग में और फिर मेडिटेशन कर लीजिए, वहां पर मेडिटेशन फलीभूत होता है। कृतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञ ते मुखे, त्रेता युग में यज्ञ किए जाते। विश्वामित्र ऋषि दशरथ जी के पास आए थे और दशरथ जी को आकर कहा था कि मुझे आप अपने पुत्र दे दीजिए राम लक्ष्मण, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ में असुर लोग आते हैं और आकर के हमारे यज्ञ कुंड के अंदर गिरा देते हैं हड्डी मांस और हमारे यज्ञ कुंड को नष्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार से यज्ञ हम कर नहीं पा रहे। तो भगवान राम और लक्ष्मण गए और जाकर के उनके यज्ञ कुंड में उनकी मदद करी और उनका यज्ञ पूर्ण करवाया। इसका मतलब कि ये जो यज्ञ का प्रोसेस है ये कलयुग का प्रोसेस नहीं है। लोग अपने घरों में यज्ञ कराते हैं, फायर सेक्रीफाइसेस कराते हैं। फायर सेक्रीफाइसेस कराते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि कलयुग में ना तो शुद्ध लकड़ी है, ना तो शुद्ध घी है, ना तो शुद्ध ब्राह्मण है ना, और किसी को मंत्र पढ़ने भी नहीं, संस्कृत उच्चारण भी गलत है। तो आप कैसे यज्ञ करके, एक समाज है कहता है यज्ञ करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत थॉट है। यज्ञ से भगवान नहीं प्राप्त होते आज कलयुग में। एक व्यक्ति बता रहे थे कि उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया था और शादी के बाद 10-15 वर्ष तक वो इस्कॉन में रहा, फिर उन्होंने ब्राह्मणिकल कोर्सेस किए जिसमें पूजा कैसे की जाती है, शादी कैसे की जाती है, इस्कॉन के वैदिक मंत्रों को सीखा। शादी के 15 साल निकलने पर माताजी प्रभु जी दोनों मिलकर के बैठकर देख रहे थे अपनी शादी की सीडी कि चलो आज एनिवर्सरी है, 15 साल बाद बैठ के सीडी देख लेते हैं। जब सीडी देख रहे थे तो ध्यान से सुनने लगे कि जो पंडित जी थे वो क्या मंत्र पढ़ रहे थे। तो माताजी ने प्रभु जी से कहा, अरे आप सुन रहे हैं क्या बोला जा रहा है? कहा, मैं सुन तो रहा हूँ, कोर्स तो मैंने भी किया है, ये वाले मंत्र तो वही है ना जो हमारे मंदिर में संन्यास देने के लिए बोले जा उन मंत्रों से वो शादी करवा देते। अब पति जो है ना वो बोले, तभी मैं कहूं मुझे आज 15 साल में तुमसे कभी प्रेम क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को तो वैराग उत्पन्न कराया गया था मंत्रों के माध्यम से। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे जो पुजारी हैं वो क्या बोल रहे हैं, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होता, वो कुछ भी मंत्र बोल देते हैं, कुछ भी, बस आग जल गई, स्वाहा स्वाहा, हो गया यज्ञ जी, यही होता होगा यज्ञ। लेकिन उसने क्या बोला, क्यों बोला, किसका आह्वान किया, कैसे वेलकम किया जाता है, कैसे सेंडिंग की जाती है, नो। यज्ञ कुंड कभी भी मतलब मिट्टी का होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए, लेकिन लोहे के यज्ञ कुंड में आजकल लोग कर देते हैं, यज्ञ कर देते हैं, खंडित यज्ञ है ना, घी प्रॉपर नहीं है, बफेलो घी से कर देते हैं, काओ घी नहीं होता है प्योर, उच्चारण ठीक नहीं है, ब्राह्मण का धर्म नियम पालन नहीं है, संस्कृत नहीं आती, ज्ञानहीन है, ऐसे व्यक्ति से यज्ञ करा करके यज्ञ का क्या फल मिलेगा। लेकिन आज फिर भी समाज
सोचता है, अग्नि जलाने को शायद यज्ञ कहते होंगे, अग्नि जलाना है तो फिर तो आप गैस करो जलाते हो ना, खाना बनाते हो तो बस हो गया यज्ञ, अग्नि तो जला रहे हो, उसी में रोटी बनाते बनाते जब घी डालते हो बोल दिया करो स्वाहा स्वाहा, हो गया यज्ञ, यही तो है, आपको इसके आगे पीछे तो कुछ मता ही नहीं है, खाली अग्नि होनी चाहिए और घी होना चाहिए, तो हो गया, तवे पे रोटी डाली, घी उठाया डाला, स्वाहा स्वाहा, बोले क्या कर रहे हो, तो बच्चे बोले मम्मी क्या कर रही है, बोले मां बेटा मैं यज्ञ कर रही हूँ, है ना, कौन सा यज्ञ है, रोटी यज्ञ पराठा यज्ञ तो ये यज्ञ चल रहे यार, तो कहां कोई व्यक्ति सही तरीके से यज्ञ को फॉलो कर पा रहा। तो क्रतो ये तो ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यज्ञ ते मखे द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में भगवान की विग्रह सेवा होती थी। राजसु यज्ञ जब हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने सोने की थाली में लोगों को खाना खिलाया, और सोने की थाली भी ऐसी नहीं थी, यूज एंड थ्रो, यूज करो थ्रो कर दो, यूज करो थ्रो कर दो, इस तरह का सिस्टम था। ऐसा सिस्टम नहीं था कि आज का ऐसा पेपर प्लेट वाला सिस्टम, सोने की थाली में सारी चीजें करी गई। अब आप लगा सकते हैं कि किस हद तक, जस्ट ए मिनट, तो इस प्रकार से सोने की थाली जो थी उसमें लोगों को प्रसाद खिलाएगा, यूज एंड थ्रो, एक बड़ा कूड़ादान बन गया था सोने की थाली का ढेर, और जब लोग बढ़ गए और खाने के लिए थालियां कम हो गई तो रिसाइकलिंग करी गई थी सोने की थालियों की, तो दोबारा से नई थालियां बनी, यूज एंड थ्रो। आज हम पेपर प्लेट में खा रहे हैं, अपने को कह रहे हैं अरे वो तो माइथोलॉजी थी, हम बड़े एडवांस है, अरे भाई वो सोने की थाली में खाते थे, तुम पेपर प्लेट में खा रहे हो, एडवांस कहां से हो गए, डिग्रेड हो गए, डिग्रेडेड सोसाइटी है हमारी। हॉस्पिटल बढ़ गए जी, हमारे हॉस्पिटल बढ़ गए, कैसे हॉस्पिटल बढ़ गए, बीमारी बढ़ेगी तभी तो हॉस्पिटल बढ़ गए, हॉस्पिटलों के अंदर कोई सत्संग थोड़ी सुनाया जा रहा है, हॉस्पिटल क्यों बढ़ गए, क्योंकि बीमारी बढ़ गई, बीमारी क्यों बढ़ गई, चिंताएं बढ़ गई, चिंता क्यों बढ़ गई, क्योंकि व्यक्ति सही प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा। तो ये परिचार्यम जो है ये भी कलयुग के लिए नहीं, तो कलयुग में करे क्या व्यक्ति, कलयुगी व्यक्ति, कलयुग का जो फेलियर बैच है, ये फेलियर बैच का क्या होता है, जब कहते हैं ना इस कॉलेज में भी नहीं चला हमारा बेटा, इस कॉलेज में भी नहीं चला, इस कॉलेज में भी नहीं चला, जब सारे कॉलेज फेल हो जाते हैं तो फिर ऐसे कॉलेज खुलते हैं, बोलते हैं दसवीं बारहवीं फेल बीए करें, और सीधा बीए करवा देते हैं वहां से। तो वही है हमारा, वही है सत्युग त्रेता द्वापर फेल भगवत धाम जाएं, कैसे जाएं, कलयुग के जीव तो सत्युग त्रेता द्वापर फेल ही तो हुए, तभी तो यहाँ कलयुग में आए हैं। अब कलयुग में जब आ ही गए हैं तो करें क्या, तो बोले कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में खाली हरि कीर्तन कर लो, वही फल मिलेगा जो मेडिटेशन से मिल रहा था, जो यज्ञ से मिल रहा था, जो भगवान की अर्चा विग्रह सेवा से, मूर्ति पूजा से मिलता, वेरी इजी प्रोसेस। तो कीर्तन करना है, कैसे कीर्तन करना है, तो बताते हैं कि प्रभु के पवित्र नाम का कीर्तन धर्म क्या कहते हैं, खाली ये नहीं कि चलो सनातन धर्म कह रहा है या इस्कॉन कह रहा है, हर धर्म ग्रंथ ने, बाइबल हो, कुरान हो, भागवत हो, गीता हो, उपनिषद हो, पुराण हो, हर जगह नाम जप की महिमा को व्याख्यान किया गया। ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो लोग भी अपनी माला पर तस्बीह करते हैं, रोजरी, उसको बोलते हैं रोजरी, चैंटिंग माला को बोलते हैं रोजरी। तो क्या कहा ईसा मसीह ने, ईसा मसीह ने यह कहकर प्रभु के पवित्र नाम की महिमा की, हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र हो, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा नाम पवित्र हो। तो ये लोग बोलते हैं अलेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, अलेलुया, ओ पिता, ओ गॉड, तेरा नाम पवित्र हो। तो भगवान का नाम तो पवित्र ही है, लेकिन वो इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन माला जपते हैं। सिख धर्म के लोग भी माला जपते हैं। गुरु नानक ने प्रार्थना की, सुबह के शुरुआती घंटों में मैं सच्चे नाम की कृपा का ध्यान करता हूं, इसको कहते हैं जपा मेडिटेशन, जप करते हुए ध्यान पूर्वक जप करने को कहते हैं, भगवान के नाम पर ध्यान लगाना, जपा मेडिटेशन। इस्लामी लोग भी तस्बीह करते हैं, मुसलमान बार बार भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, अल्लाह अल्लाह या इला इलिल्ला मोहम्मदुर रसूलल्लाह, अल्लाह अल्लाह आमीन बोलते, भगवान के नाम को बोलते रहते। और सनातन धर्म के हिंदू लोग भी ज्ञान देते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, अगर तुम सच में कोई यज्ञ करना चाहते हो जप यज्ञ करो। तो मंत्र का मतलब है मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे उसे मंत्र कहते हैं। तो मंत्र, कई लोग पूछते हैं कौन सा मंत्र लेना चाहिए, गुरुजी से मंत्र लेना चाहिए, कैसा मंत्र, सारे मंत्र के संशयों को आज हम हटाएंगे। जो मन को तार दे उसे मंत्र कहते हैं,
आपने जो भी मंत्र किए होंगे आज तक पूजा पाठ में, माता पिता ने स्कूल में सिखाए गए होंगे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च शिखा तुमेव, तुमेव द्रव्यम मम देव देवा तुमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। मंत्र सीखे हमने कई सारे, स्तुति सीखी, लेकिन क्या मन तरा? मन तो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड है, मन तो अभी भी डिप्रेशन में। सो मन तारने को मंत्र, मंत्रा त्रायते इति मंत्र, वन कैन लिबरेट द माइंड इज डिलीवर द माइंड इज मंत्र। तो आज हम देखते हैं एक वीडियो आपके साथ मिलकर के, तो आप मुझे बताइएगा इस वीडियो से आप क्या समझते हैं मंत्र के बारे में। ओके, जस्ट लुक एट द वीडियो एंड देन लेट मी नो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। मैं अभी शेयर करूंगा आपका स्क्रीन और देन यू वॉच द वीडियो। However, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra War, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on three groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. Okay, so kya samajh mein aaya, kaun batayenge? Please raise your hands. What do you understand by this video? Okay. Nidhi Mataji, bataye. प्रभु जी इसमें ये बताया कि जो मंत्रास में एक स्पेसिफिक पावर होती है, जो अगर सही तरीके से उसको चैंट किया जाए देन वी कैन आल्सो गेट दैट पावर, वी कैन फील दैट पावर। तो जैसे वैदिक पीरियड में होता था कि वो लोग कोई भी जो उनको वेपन अगर लॉन्च करना है तो जस्ट बाय द स्पेल ऑफ एनी मंत्र दे कुड लॉन्च द वेपन। जो आज की डेट में लोग रिसर्च करते हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो उतना इंटेलिजेंस अभी हमारे पास नहीं है। सो विद हरे कृष्ण महामंत्र आल्सो एंड विच हैव आल्सो फील बिकॉज इट्स नाउ मोर देन एन ईयर ऑफ चैंटिंग कि हाँ अगर आप उसको रेगुलर उसी चीज पे और उसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप चैंट करते हैं देन एक्चुअली यू कैन फील दैट यस देयर इज अ पावर इन दैट एंड ये आपका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है वो बहुत इंक्रीज, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अगर किसी का कंसंट्रेशन नहीं है किसी चीज में तो वो इम्प्रूवमेंट उसमें आता है एंड योर माइंड इज रियली रियली वेरी काम। थैंक यू, थैंक यू निधि माता जी। ओके राहुल प्रभु अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें बताया जैसे मतलब लाउड साउंड मतलब किसी ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं, वैसे जो मंत्र की वाइब्रेशंस है वो हमारे मन पे काफी हैवी इफेक्ट डालती है और हमें मतलब चेंज करने में काफी चेंज करती है। और इसमें ये बताया था मतलब मंत्रस के अंदर हिडन पावर्स होती है, उसमें स्पिरिचुअल पावर्स भी होती हैं और उसमें ऐसी पावर्स भी बताई हैं जैसे वो वेपन्स के एग्जांपल बताया, लोग वेपन्स बना लेते थे मतलब वैदिक टाइम पे। और इसी प्रकार वो जो स्टडी के बारे में बताया, स्टडी जब लोगों ने 25 मिनट के लिए जो मतलब हरे कृष्णा का मंत्र का जाप किया तो उनमें काफी चीजें नोटिस की, जैसे मतलब उसके अंदर स्ट्रेस रिड्यूस हुई लोगों के अंदर, बैड हैबिट्स कम हुई, लोग डिप्रेशन से बाहर आए। तो मतलब इससे पता चलता है मतलब हरे कृष्णा महामंत्र प्रैक्टिकल है इस लाइफ में और हमारे माइंड पे और हमारी मतलब बॉडी पे भी काफी इफेक्ट डालता है। थैंक यू। सो ये पीएचडी थीसिस हुआ, पीएचडी रिसर्च है मंत्रस के ऊपर कि मंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी भी स्टेट पर जाकर के लोगों के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट कर सकती है, इवन डिप्रेशन के लोगों को भी डिप्रेशन से दूर कर सकती है, सुसाइडल केसेस शांत कर सकती है। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से, जैसे बोला, प्रॉपर तरीके से चैंट करना चाहिए अटेंटिवली, इतना अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी मतलब ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं। मंत्र में इतनी पावर, सोचिए महामंत्र में कितनी पावर होगी। और हर एक धर्म इसको चैंट करने के लिए बोल रहा है, ये नहीं कि कोई धर्म, तो वैसे एक ही है सनातन धर्म, लेकिन सो कॉल्ड रिलीजन जिसे कहते हैं बॉडीली रिलीजन, एवरीबडी एवरी सेक्ट इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ चैंटिंग ऑफ द होली नेम। न जाने क्यों लोग इस बात को समझ नहीं पाए आज तक। सो हम आगे देखते हैं अपने इस सेशन में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कलयुग में भगवान का एक अवतार हुआ है। लोग बोलते कहां है भगवान, आते नहीं है, कलयुग में आए हैं भगवान। कृष्ण डिसेंड्स इन द कलयुगा इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, भगवान अपने होली नेम यानी पवित्र नाम के रूप में कलयुग में अवतार लिए। कली काले नाम रूपे, नाम रूप में कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार हुआ। महामंत्र जपने के लिए क्या करें, तो महामंत्र जपना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करना चाहिए, डायरेक्ट हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपा जाता। तो ये पंच तत्व है हमारे, जिसमें सेंटर में चैतन्य महाप्रभु हैं येलो ड्रेस में, ब्लू ड्रेस में नित्यानंद प्रभु जो बलराम थे द्वापर युग में, वही कलयुग में नित्यानंद है। व्हाइट ड्रेस में अद्वैत आचार्य हैं जो कि महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड फॉर्म है, सदाशिव और महाविष्णु, वो अद्वैत आचार्य बनकर कलयुग में प्रकट हुए। जो रेड कलर में है उनका नाम है गदाधर, गदाधर पंडित, ये राधा रानी के अवतार हैं। और जो ऑरेंज ड्रेस में है ये है नारद मुनि के अवतार, इनका नाम है श्रीवास। तो श्रीवास जी जो थे, श्रीवास पंडित, ये श्रीवास ठाकुर, ये प्रकट हुए थे नारद मुनि के अवतार का रूप लेकर के, जीव जीव तत्व लेकर के। तो ये पांच तत्व हैं, शक्ति तत्व, जीव तत्व और कृष्ण तत्व। तो ये तत्व, पांच तत्व प्रकट हुए, इसे पंच तत्व कहते हैं। इनका मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो पहली बार देख रहे हैं, इसका मीनिंग भी दिया गया है। आई ऑफर माई ओबिसेंसेस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज फीचर्स एज अ डिवोटी डिवोशनल इनकार्नेशन मैनिफेस्टेशन प्योर डिवोटी एंड डिवोशनल एनर्जी। तो भगवान अपने भक्त रूप में प्रकट हुए हैं यहाँ पर, डिवोटी के रूप में कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। इस मंत्र को बोलने से क्या होता है कि महामंत्र के दौरान अगर कोई गलती भी हुई हो हमसे तो भगवान उसको माफ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसने पहले महामंत्र से पहले पंच तत्व मंत्र बोला है। तो पंच तत्व मंत्र को एक बार बोलना होता है और उसके बाद 108 बार माला के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई लोग बोलते हैं हमें तो पहले से ही मालूम है, जब ध्यान से सुनते तो क्या बोल रहे होते हैं, हरे रामा कृष्णा कृष्णा रामा रामा, हरे रामा 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 कृष्णा कृष्णा। अपना मंत्र नहीं बनाना है, इसमें 32 अक्षर हैं और 16 नाम हैं। हरे कृष्ण ये चार हो गए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये चार हो गए, हरे राम ये चार हो गए, राम राम हरे हरे ये चार हो गए। तो चार चार के चार लाइनें हो गई, तो 16 नाम, 16 वर्ड मंत्रा, षोडश नाम, इसको षोडश नाम मंत्र कहते हैं। ये मंत्र को महामंत्र कहा गया है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है,
कभी भी किसी भी टाइम आप इसको चैंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ इसके बेस्ट करने के रूल्स बताए गए हैं कि इसको बेस्ट कैसे करें। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जप करने की सलाह दी जाती है, पर ये जरूरी नहीं कि अगर सुबह नहीं कर पाए तो कभी नहीं करना, पूरे दिन में जब टाइम मिले तब करें, लेकिन बेस्ट है कि सुबह के समय करें। महामंत्र के जाप के लिए क्या करें, माला को गिनते हुए जप करने की सलाह दी जाती है। चैंटिंग करते करते माला जपते जपते इस स्टेज पर आना है ना, 108 मनके की माला से जाप करना है। सही वातावरण बनाएं, सीधी पीठ वाली आरामदायक कुर्सी का प्रयोग करें या पद्मासन में चटाई पर बैठे, या तो सीधी जहां पर कमर सीधी रहे ऐसी कुर्सी पर बैठे या फिर पद्मासन में बैठे। लाइट कम करें या बंद करें, पूरी अंधेरा कर दें या तो डिम लाइट रखें तो ज्यादा अच्छा है। चाहे तो धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। फोन को हुक से हटा दें, यानी कि फोन को साइलेंट मोड पर रख दें, मोबाइल फोन स्विच ऑफ ही कर दें, या तो पूरा का पूरा मोबाइल ऑफ ही स्विच ऑफ ही कर दें उसको। ऐसा कर देने से आपका फोकस बन पाएगा भगवान के नाम सुनने में। सही मुद्रा अपनाएं, मुद्रा ऐसे जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया ऐसे बैठना है। सही मुद्रा अपनाएं, शरीर को ढीला करें, कुछ क्षण बैठें धीरे धीरे और धीरे से सांस लें, आंखें बंद करके सीधे आगे देखें। तो आंखें पूरी बंद भी नहीं करनी, आंखें पूरी खोली भी नहीं, आधी बंद आधी खुली रहनी चाहिए। शरीर को ढीला करें, रिलैक्स होना चाहिए बॉडी, और धीरे धीरे सांस लें, बहुत ब्रीदिंग स्लो होनी चाहिए। मंत्र को सुनते रहो और अपनी पूरी चेतना को दिव्य ध्वनि में लीन होने दो। मंत्र को ध्यान से सुनो, अन्य विचारों को एकाग्रता से दूर करने का प्रयास ना करें। जैसे मेडिटेशन में सिखाते हैं कि प्रयास करो अन्य विचार ना आए, कहते हैं आने दो, ये विचार आएंगे उतनी इनकी धुलाई होगी पिटाई होगी, साफ हो जाएंगे, आने दो विचारों को, ये धुल जाएंगे सारे। किसी भी चीज की कल्पना करने की कोशिश ना करें, ऐसा ना सोचें कि मैं वृंदावन में भटक रहा हूं, घूम रहा हूं, मैं तो यात्रा पे गया हूं। केवल ध्वनि कंपन को सुने, सिर्फ ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस पर ध्यान दें। यदि मन भटकने लगे तो शांति से उसे वापस मंत्र पर पुनर्निर्देशित करें। अगर मन भटक रहा हो तो उसे वापस मंत्र पर ले आए खींच करके, जैसे जिद्दी बच्चा होता है भागता है तो माता पिता पकड़ के उसे पुनः बिठा देते हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपका ध्यान भटक गया है तो उसे मंत्र पर पुनर्निर्देशित करना चाहिए। चुपचाप और धैर्यपूर्वक दोहराते रहें। चुपचाप का मतलब यह नहीं कि बंद मुंह बंद करना है, चुपचाप का मतलब है बहुत जोर से नहीं बोलना है, इतना धीरे बोलना है कि आप सुने और आप बोले। इतने जोर का नहीं होना चाहिए कि कोई ना सुने, सब लोग सुन ले, और इतना कम ना होना चाहिए कि आपको भी ना सुनाई दे। नाम जप करने के बाद कुछ देर तक बैठे विश्राम करें। बिन बुलाए विचारों से आपका मन विचलित हो सकता है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, आपको सिर्फ सुनना है और बोलना है। मन भटक जाएगा या पूरी तरह से स्वाभाविक और अपेक्षित है। मन भटकेगा, अर्जुन का भी भटका था, हमारा भी भटकेगा, नो प्रॉब्लम। धैर्य रखें, टॉलरेंस रखें, आज नहीं तो कल मन सेटल होगा। मंत्र जाप करने के लिए क्या ना करें, तो अब वो बता रहे हैं कि क्या, अभी तो बताया क्या करना चाहिए, अब बता रहे हैं क्या ना करें। जप माला की कृष्ण नाम मनके पर जाप नहीं करना चाहिए, यानी कि जो फोटोग्राफ में दिखा रहे हैं सेंटर बीड, इसे कहते हैं मेरु, सुमेरु, सुमेरु जो है इस पर्वत को कृष्ण का सिर बोला गया, इसको जंप नहीं करना होता है ना, तो इस पर जप भी नहीं करना है, इसको जंप भी नहीं करना, ये है कि मेरी माला पूर्ण हो गई है, समाप्त हो गई है। महामंत्र जप कब ना करें, किताब पढ़ते, गाड़ी चलाते, अखबार पढ़ते, टीवी देखते, नाम जप नहीं करना चाहिए। गाड़ी चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए है ना, किताब पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए। महामंत्र किस उंगली से जप ना करें, अंगूठे से पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर अर्थात तर्जनी उंगली का इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि ये उंगली अहंकार की उंगली होती है, इससे हम संसार में दूसरों को बोलते हैं, हे यू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो उंगली है वो अपवित्र है, और इस उंगली से प्रेत पूजा की जाती है, पिंड दान किए जाते हैं, इसलिए इसमें भगवत पूजा नहीं की जाती है, इस उंगली का यूज नहीं करना होता। जाप के लाभ, तो जाप के लाभ हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि महामंत्र करने की एक वीडियो देखेंगे कैसे करना चाहिए, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर लाभ देखेंगे। तो मैं आपके सामने एक वीडियो चलाऊंगा, फिर से वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
तो आपने यहाँ पर देखा कि चैंटिंग, इसको कहते हैं ग्रुप चैंटिंग, यानी ग्रुप में आकर के जब भक्त बैठते हैं, जैसे हम लोग सुबह अपना जपा टॉक करते हैं तो जपा टॉक में जप करते हैं। जप करने के तीन स्तर हैं, एक होता है उच्च स्वर में जप, एक होता है उपांशु जप और एक होता है मानसिक जप। मानसिक जप होता है कि मैं मरमर करूं किसी को सुनाई ना दे, है ना, मानसिक जप करूं किसी को सुनाई ना दे, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं मन जप कर रहा हूं, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा, तो इसका नींद आ जाती है। तो कलयुग में इस जप को मना किया गया है, मानसिक जप नहीं। उपांशु, उससे ऊपर उच्च स्वर का जप, यानी ऐसे करना, अरे कृष्णा कृष्णा अरे हरे राम 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 हरे, इसे भी नहीं करना, चिल्लाना भी नहीं है कि एकदम पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे चिल्लाना भी नहीं, ऐसे इतना जप करना है कि मध्यम स्वर, इसे थे उपांशु जप, है ना, जब मैं बोलूं और मैं सुनूं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जितना मैं अच्छे से जप करूंगा उतना मुझे नींद कम आएगी। अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत मरमर कर रहा हूँ, बहुत जोर से करूंगा तो सबको डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा, तो ये इतने ही धीरे से जप नहीं करना। और कोशिश करें जप में भगवान के नाम के ऊपर फोकस करें, हरे बोले तो हरे पे, कृष्ण बोले तो कृष्ण पे, हरे बोले तो फिर हरे पे, कृष्ण बोले तो कृष्ण पे। इसमें भी लोग पूछते हैं उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसका सही उच्चारण है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें ये नहीं है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ऐसे नहीं है। ये भी नहीं है हरे किस 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 हरे हरे, हरे किस 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी नहीं है, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये भी नहीं है। इसका सिंपल है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें ये सारे आने चाहिए। अब होता क्या, जब व्यक्ति तेज बोलता है तो हरे कृष्ण 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 राम राम हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ये नहीं, ये आठ अवधि निकल रहे हैं, पूरा मंत्र नहीं है। मैंने कई बार सुना है लोगों को पूरा मंत्र नहीं बोल रहे होते, फल नहीं मिलता पूर्ण, उनको पूर्ण फल में पाने के लिए पूरा मंत्र ध्यान से, इसको बोलते ध्यान पूर्वक जब, कि मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तो आया, क्या बोल रहा हूँ मैं सुन तो लू उसको, है ना। तो आधा मंत्र नहीं बोलना, पूरा मंत्र बोलना। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, तो हम जब अपना जपा टॉक करेंगे सिंसियरली, आप लोगों के साथ एक सेमिनार करेंगे ओनली ऑन जपा, सो फिर उसमें और आपको इसमें वेरिएशंस बताएंगे किस प्रकार से लोग जपा को मिस यूज करते हैं, सही तरीके से जपा कैसे किया जाए, सो वी विल ऑल डिस्कस, बट अभी के लिए इतना काफी है कि यू हैव टू चैंट। अब हम कुछ लाभ सुनते हैं, महामंत्र का जप करने से क्या लाभ होते हैं। ओके, महामंत्र का जप करने के लाभ, पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्ति। कोई भी जीवन काल में पूर्व जन्मों में जो अपने प्रारब्ध की चर्चा करी, कर्मों ने अटका रखा है और हमें इस प्रकार से दंडित किया जाएगा नरकों में ले जाकर के, सभी प्रकार के पाप से मुक्त कर दिया जाएगा केवल भगवान के नाम के माध्यम से। चिंता और तनाव से मुक्ति, टेंशन डिप्रेशन, वो लोग पूछेंगे चिंता कहां गई, पता नहीं चिंता कहां गई, चली गई, छोड़ दिया चिंता करना। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया है, वर्णन करेंगे अपने बारे में कि उन्होंने जब जप शुरू किया तो उन्होंने क्या आनंद का अनुभव किया। मन की शांति जो जीवन की वास्तविक खुशी की ओर ले जाती है, मन की शांति जो जीवन की वास्तविक खुशी की ओर ले जाती है। हरे कृष्ण जप के बारे में लोग क्या कहते हैं, कई लोगों ने इस माला से जप प्रारंभ किया और फिर उन्होंने जप किया तो उनके अनुभव देखिए। जीन क्लॉडे, यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ 3M इनकॉर्पोरेशन फ्रांस, कहते हैं मेरे लिए सब कुछ तब होने लगा जब मैंने हरे कृष्ण का जाप करना शुरू किया, उससे पहले सारी चीजों में डिप्रेशन आ रहा था। तो ये प्रोफेशनल लोग भी चैंट करते हैं। एल्बर्ट बुश फोर्ड, जिनका कल भी हमने चर्चा किया था, अम्बरीश दास ओनर ऑफ फोर्ड मोटर्स, कहते हैं हरे कृष्ण जप ने मेरे जीवन में जबरदस्त प्रभाव डाला है, जबरदस्त प्रभाव। आदमी कहता है रिमार्केबल डिफरेंसेस मैं देख रहा हूं अपने अंदर। एंडी देसाई श्रीनाथ दास जी कहते हैं, जो कि सीमा ट्यूब्स एंड जी अपार लाइटिंग के लीडिंग इंडस्ट्रीज थे,
मैं कई वर्षों से हरे कृष्ण का जाप कर रहा हूं और मुझे इससे अधिक आनंददायक कुछ भी नहीं मिला है। तो ये भी हमारे बीच नहीं है एनडी देसाई जी, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैं कई वर्षों से हरे कृष्ण का जाप कर रहा हूं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने भी जाप किया है। ऋषिकेश मफतलाल, मफतलाल इंडस्ट्रीज फैब्रिक्स के ओनर सीईओ, हरे कृष्ण का जप करने से मुझे अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों का सामना कर बड़े आत्मविश्वास और मन की शांति के साथ करने में मदद मिली है। बड़ी आप प्रगाढ़ता से कोई भी प्रॉब्लम को झेल जाओगे, सहन कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम आएगी आप, क्योंकि आपके पास में कुशंस हैं, हरि नाम के कुशंस। एक बहुत बड़ी मॉडल थी विक्की ओवरटन, वो अभी बाद में इनके अंदर देखिए, पहले मॉडलिंग के बुक्स पर आती थी फोटोग्राफ, और अभी ये डिवोटी बन गई। हरे कृष्ण का जाप शुरू करने से मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ है, विक्की ओवरटन कहती हैं, जो कि यूरोपियन मॉडल थी और अभी डिवोटी माता जी हैं। मार्को फेरनी इटली के टॉप फर्नीचर डिजाइनर कहते हैं, जप करने से मुझे ईश्वर के करीब होने का एहसास होता है, क्योंकि नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के नजदीक है। डेविड वुल्फ है इटालियन रिसर्चर, इन्होंने रिसर्च किया है इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, महामंत्र के इफेक्ट को पढ़ा है इन्होंने, तनाव और अवसाद को काफी कम करता है, इन्होंने अपने रिसर्च में इस बात को पीएचडी थीसिस पेपर्स में प्रूफ करके दिखाया है। मिसेस सैली मर्केंडाइजर है, एक एक्सपोर्ट कंपनी में, कहती है, जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे नाम जब बहुत शांत लगता है, मैं छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होती हूँ, सो पावर देता है मंत्र। रमेश लाल टोरंटो हेल्थ कंपनी के प्रोप्राइटर ओनर कहते हैं, हरे कृष्ण का जप करने से मुझे बहुत शांति मिली है, इतनी शांति मैंने कभी अनुभव नहीं की। शिला प्रभुपाद बताते हैं, डिस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की हमारी प्रार्थना का अर्थ है राधा और कृष्ण को उनकी सेवा में लगे रहने के लिए संबोधित करना। हरे कृष्ण का अर्थ है हरे, हे राधा रानी, हे कृष्ण कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं ताकि मुझे माया की सेवा से मुक्ति मिल जाए, मिल सके। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा। अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे और, कि जब हम अकेले चैंटिंग करें तो कैसे चैंटिंग करना चाहिए। ग्रुप चैंटिंग तो हमने देखा, हम अकेले चैंटिंग का एक वीडियो देखेंगे। I'm sharing screen. कृष्णा हरि हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम। तो आप देख सकते हैं कि हरे कृष्ण किस प्रकार से बोलना है, इतनी स्पीड रखें कि आप अकेले भी हो तो आपको नींद ना आए, आप सो ना जाए। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर हम सो जाएंगे तो क्या हम चल करके कर सकते हैं, है ना, चल करके चैंट किया जा सकता है। तो इस पे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि शिला प्रभुपाद जो थे वो जब जब चैंटिंग करते थे, क्योंकि एज ओल्ड थे, तो प्रभुपाद जी भी कभी कभी अपने रूम में वॉक करके चैंटिंग करते। तो लेट्स सी शिला प्रभुपाद का जपा स्टाइल क्या था।
तो आपने देखा कि कैसे शिला प्रभुपाद जी बड़े ध्यान से वॉक जपा वॉक कर रहे हैं, तो लोग पार्क में जाकर के चैंटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूम में वॉक करके भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्क में माला हाथ में ले रखी है और लोगों से पूछ रहे और कैसे हैं सर, बड़े दिन से दिखाई नहीं दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, आपकी डायबिटीज कितनी चल रही है आजकल, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, बड़े तीन दिन से गए नहीं, शादी थी बेटी की, आप उसके बाद दिखाई नहीं दिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये फिर चैंटिंग नहीं है। चैंटिंग का मतलब है कि मैं चैंटिंग के शब्दों पर फोकस कर सकूं। तो प्रभुपाद जी वॉक भी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो अपनी किस समाधि की अवस्था में, चलते फिरते समाधि अवस्था में है व्यक्ति, जपा करते वक्त ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला था आपको वॉक करना चाहिए, आपका शरीर शिथिल हो रहा है, 80 इयर्स की एज है, फिर भी प्रभुपाद जी अपना जपा ध्यान पूर्वक कर रहे हैं। तो हम लोग तो ध्यान पूर्वक करना ही चाहिए, हमको पूरा कोशिश करना चाहिए जितना फोकस होकर हम चैंटिंग कर सके। ठीक है, नाउ वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर्स, वी हैव 20 मिनट्स टाइम, देन वी विल हैव अ सेशन ऑफ सर्टिफिकेशन और अन्य प्रश्नोत्तर, इनविटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द टेंपल हम रखेंगे इधर नेक्स्ट संडे या उसके नेक्स्ट संडे, सब लोग उसमें आइएगा, अपने रियलाइजेशन शेयरिंग करिएगा, और अगर किसी का रियलाइजेशन आज भी कोई शेयर करना चाहे, वेरी वेरी स्पेशल रियलाइजेशन इन 6 दिनों में, तो आप अपना रियलाइजेशन शेयर करिए, क्योंकि आपने पूछा बहुत है मुझसे, सुना बहुत है, लेकिन अपने बारे में बताया कम है। तो अगर कोई अपने बारे में बताना चाहे कि मैं ये हूँ, मैं ये था, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 3 हफ्ते में मुझमें ये बदलाव आया है, तो एनीबॉडी कैन शेयर देयर रियलाइजेशन, आई वुड लाइक टू लिसन फ्यू रियलाइजेशंस, इसमें परिवर्तन आया कि संजय अरोड़ा प्रभु आए आज हमारे बीच में रियलाइजेशन शेयर करने। जी संजय जी, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, अनबोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंपत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरे को एक बात अभी इसी से संबंधित थी। मैं अक्टूबर 2018 में नोएडा मंदिर में फर्स्ट डे गया था, वैसे तो इस्कॉन छेपीवाड़े से तो जुड़ा हुआ था मैं, पर जो मैंने जप माला ली थी उस दिन पहली बार मैंने अपने हाथ में ली थी, ठीक है जी, और वो माला ओपन थी उस टाइम पे, और जो प्रभु जी मुझे लेके गए थे उन्होंने ही मेरे से हरिनाम मंत्र चालू करा था, और उस दिन मेरा खुश नसीब दिन यह था, उस दिन कृतिराज महाराज जी वहां पर विराजे हुए थे, उस दिन व्यास पूजा थी, मतलब ठीक है जी। पर अभी मैं पीछे भी आपसे यूट्यूब पे एक बात सुनी थी जैसा मंत्र को लेकर के आपने कहा मेरे से, अब स्पेशल भेजी थी, जब हम अकेले में जाप करते ठीक है, पर बहुत सी बार हमारा दिमाग बहुत उल्टी सीधी, जैसे मैं व्यापारी हूँ, मेरा दिमाग बैंकों में व्यापार में ऐसी जगह जाता है, तो मैंने एक बात ये मंदिर में, तो उन्होंने कहा था जब आपका ध्यान भटकता है तो उस टाइम पे आप अपने सुर को तेज कर सकते हो, मतलब उस टाइम पे आपको तेज करना पड़ेगा, जब आप फिर कंट्रोल कर लेते हो अपने दिमाग को तो आप फिर दोबारे उस स्पीड पे आ जाओ जिस स्पीड पे आपने हमसे कहा है। पर पर बहुत ज्यादा लोगों के साथ बहुत जल्दी जल्दी होता है, मतलब दिमाग सोचना, उस सूरत में हमें बहुत दिक्कत आती है, कैसे कैसे करा जाए उसके लिए। इसमें तो क्या है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभव है, कोई व्यक्ति जो है वो उसका मन बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता, क्योंकि जो हम 2 घंटे जप करते हैं उस 2 घंटे जप हमारे 22 घंटे के ऊपर निर्भर करता है। 22 घंटे हम पिक्चरें देखेंगे, गाने सुनेंगे, गाने बजाएंगे, इधर उधर संसार में मिलेंगे, संसार की बातें करेंगे, तो उन 2 घंटे में वही हमारे मन में घूमेगा। अगर हम 10 घंटे दुकानदारी करता हूँ कम से कम 10-12 घंटे, तो अगर हम 2 घंटे अपना मन शांत रखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, उसके लिए प्रोसेस है कि हम जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाएं, सारा काम धंधा भूल जाएं कि मैं व्यापारी था, मुझे ये मिलना था, मुझे वो मिलना, सब भूल करके बस फोकस करें अपनी चैंटिंग के ऊपर, और 22 घंटे अंदर भगवान का, जब दुकान पर भी बैठे काम भी करें तो भगवान की कथा या कीर्तन चलता रहे। वो प्रभुपाद जी के साथ कीर्तन मेरा रेगुलर चलता है, वो मैंने लगा रखा है इंस्ट्रूमेंट और मैं उन्हें बहुत सुनता हूँ। बहुत बढ़िया, तो बस वही करना है, आप तो सही रास्ते पे हैं और बड़ा अच्छा है आप हमसे जुड़ गए हैं बहुत समय से, और पहले आप मैसेज पे प्रश्न पूछा करते थे, अब आपने सेमिनार भी कर लिया हमारे साथ। हालांकि मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ केवल। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका, हरे कृष्ण। ठीक है, अब राहुल गुगलानी प्रभु अपना रियलाइजेशन या अपना प्रश्न जो भी है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे अंदर तो मैं बहुत इंपेशेंट था, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब
भागता रहता था, बस कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता था। पर जब से जुड़ा और तब जब से मैंने करने सेमिनार अटेंड किए और मैंने जब अभी स्टार्ट किया, तो उसके बाद से मतलब ऐसा हो गया कि मुझे चीजें ऐसे लगने लगी ये सब वेस्ट है और ये टोटली मतलब जो चीजें हैं हम अननेसेसरी अपने आप को या अपना टाइम जो है इन छोटी छोटी चीजों में पता नहीं क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये चीजें ऐसी मतलब इतनी इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है लाइफ के लिए, लाइफ के लिए कुछ और गोल है। तो अब जब ये रियलाइजेशन हुआ तो अब ये फील होता है कि नहीं, और ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ शांत हो गया, पर अभी ऐसा पूरी तरीके से नहीं है। अभी भी कई बार कई चीजों पे मुझे एकदम से होता गुस्सा आता है और फिर मैं कंट्रोल करता हूँ उसको कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये ऐसे नहीं बोलना या ऐसे बात जोर से नहीं बोलना या, तो काफी चेंज आ गया। मैं नो ऑनियन नो गार्लिक कोई ऐसा नॉनवेज वगैरह जैसे मैं पहले ले लेता था वो बिल्कुल अब बिल्कुल बंद हो चुका है। नो ऑनियन नो गार्लिक पे आ चुका हूँ, मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं ग्रहण करता हूँ खाना तो मैं भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही स्टार्ट करता हूँ या उनको ही पहले समर्पित करता हूँ। So this seminar helped you in growing in a spiritual life. Exactly. तो मतलब मैं इसके लिए हमेशा आपका और स्कॉन से जुड़ने का, सब लोग का, आप लोगों का बहुत ऋणी हूँ। मतलब आप लोगों को मतलब जितना मतलब मैं धन्यवाद दे सकूं। बस प्रभु जी, मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज कही थी कि इस चीज की अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को। बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब परेशान है लाइफ से लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो हम भी, मैं भी ढूंढ ढूंढ के कई जगह से पूछ पूछ के आपसे जुड़ पाया, तो ऐसे कई हैं। तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, बस मेरा एक ही छोटा सा सजेशन था। थैंक यू। वेल, वी आर ट्राइंग इट मोर एंड मोर, प्रीचिंग बाय सोशल मीडिया एंड मेनी अदर मींस, जितना कर सकता हर व्यक्ति। वैसे हाँ, यूट्यूब के माध्यम से तो काफी चीजें अब हो चुकी हैं जिसे हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगता है सुनना और समझना। और प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने अभी आपकी वो एक कथा सुनी थी भागवतम की। अच्छा। उसमें हाँ, तो मैंने वो दो बार सुन चुका हूँ और मुझे उसमें जो सबसे बढ़िया आपका जो सुनाने का जो आपने जिस तरीके से व्यक्त की थी वो इतनी आनंद मतलब दे गई, और वो रस खान वाली जो एक कथा थी छोटी सी वो मुझे इतनी मतलब छू गई अंदर तक कि भगवान मुझे पेड़ बना दो, पशु बना दो, पक्षी बना दो, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। तो मतलब वो बहुत ही आपने सुंदर सुनाने का जो था उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल प्रभु, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर कनेक्टेड विद अस नाउ। ओके, ओम भारद्वाज प्रभु जी फ्रॉम जर्मनी, प्लीज आप बोल सकते हैं, अपना अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस ब्लिसफुल 3 वीकेंड्स। ये 6 सेशंस प्रभु जी बहुत लाइफ चेंजिंग सेशंस हैं हमारे लिए। एंड कुछ चीजें जो राहुल गोगलानी प्रभु जी ने भी बोला कि हम बहुत भागदौड़ करते हैं, हमेशा ये पाना है वो पाना है, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करनी है, मेटीरियल प्रोग्रेस, इंडस्ट्री में बहुत प्रोफेशनली प्रोग्रेस करनी है। तो प्रभु जी एक्चुअली पहले मन बहुत आगे भागता था, बट इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, जो आपने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद बहुत स्टेबिलिटी आई है और हम लोग मटेरियल भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे हमारी मटेरियल प्रोग्रेस रुकेगी, हम लोग और बल्कि ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं और स्टेबल रह सकते हैं। हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, इससे हमारा मटेरियल प्रोग्रेस भी होगी और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लीट पैकेज है प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से, मैंने सारे सेशन अटेंड किए हैं Day 1 to today and मैं आपको हमेशा भी for the last many years I am following you also, our whole family is following you, so you have changed our lives Prabhu ji, and हम लोग प्रभु जी जर्मनी में इतने more than 10,000 miles हम लोग बैठे हुए हैं और आप ऐसे लग रहा है जैसे हम पास में डायरेक्ट आपसे सुन रहे हैं, आप हमारे बीच में यहाँ हो जर्मनी में और हमें यहाँ बेनिफिट दे रहे हो। तो थैंक यू प्रभु जी। थैंक्स टू इंटरनेट and thanks to our guru parampara jinki kripa se main aap tak apne sandesh ko pahuncha pa raha hu, parampara ke sandesh ko yatha roop mein. So all glories to Srila Prabhupada and our guru parampara. Thank you Prabhuji. main ek cheez aur bolna chahta hu ki ek bar maine bhi share kiya tha ki meri beti ne apni thesis mein different kind of meditations ka impact study kiya tha Germany ke andar, uski thesis hoti hai
तो सी डिड दिस थीसिस एंड उसने इंडिया में जो डिफरेंट मेडिटेशंस इंडिया से निकले हैं, जैसे कि फाइव डिफरेंट मेडिटेशंस उसने सेलेक्ट करे, टॉप मेडिटेशंस इन इंडिया, जैसे सुदर्शन क्रिया भी उसमें एक है, और बहुत सारे विपासना मेडिटेशन है, हमारे हरे कृष्णा महामंत्र का जो मेडिटेशन है, और चार पांच और भी लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं हमारे फेमस। तो प्रभु जी उसने क्या किया, मेरी बेटी ने, उसने एक स्टडी की, सर्वे किया, उसने ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें अपना क्वेश्चनियर भेजा, इनके यहाँ पे भी बच्चों के ग्रुप्स हैं, अडल्ट के ग्रुप हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स हैं, तो यूनिवर्सिटी तक की स्टडी करी उन्होंने 25 ईयर्स तक के बच्चों की या 24। तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स के जब रिजल्ट्स आए उसको उसने डाटा एनालिसिस किया प्रभु जी, और उसने जर्मनी के अंदर जो साइंटिस्ट्स हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं जर्मनी के अंदर, उनको भी इन्वॉल्व किया, और यूएस में बहुत बड़े एक प्रोफेसर हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, वो मेडिटेशन में वो पीएचडी थीसिस गाइड करते हैं, वो ही इज लाइक फादर ऑफ मेडिटेशन इन यूएस, तो उनको भी इन्वॉल्व किया साथ में, मतलब एक कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, और मेरी बेटी ने वो कोऑर्डिनेट किया था। प्रभु जी उसका जो आउटकम था वो हरे कृष्णा महामंत्र वॉज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू डू मेडिटेशन इन द करंट लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल हम फॉलो करते हैं उस लाइफ टाइम, क्योंकि सारे बच्चे जो थे वो हाई यूनिवर्सिटीज के थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, या बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे थे, डीपीएस स्कूल है जैसे इंडिया में, बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ के बच्चे भी थे। तो उसका जो आउटकम था प्रभु जी, वो महामंत्रा जो बच्चे करते थे उनके जो रिजल्ट्स आए थे, उनका जो डाटा एनालिसिस किया था, और वो डाटा एनालिसिस एक्चुअली अदर स्पेशलिस्ट वर आल्सो इन्वॉल्वड इन द एनालिसिस, नॉट ओनली माय डॉटर डिड इट। तो प्रभु जी उसके बेस पे हमारा जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके लिए उन्होंने थीसिस करी थी मेरी बेटी ने, उन्होंने उस थीसिस को बेस्ट थीसिस का अवार्ड दिया था, और जो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोसेस को अपने स्कूल में। दिस वाज द मेन एम। तो आप वो शेयर करिए ना हमारे साथ में, मैंने पहले भी आपको बोला था, ईमेल करिए वो हमको। एंड प्रभु जी वो जर्मन लैंग्वेज में है पूरी थीसिस एक्चुअली, इंग्लिश में नहीं है, तो उसको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड उसमें वो न्यूरोलॉजिकल स्टडीज भी हुई है, हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्रे मैटर जो ब्रेन में है, ग्रे मैटर वगैरह जो नेटवर्क, आप उसका ऑनलाइन ट्रांसलेशन भी हो जाता है लैंग्वेजेस का, तो ऑनलाइन ट्रांसलेशन करा करके उसकी कुछ एटलीस्ट थीसिस का जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट तो हमारे साथ शेयर कर लीजिए। यस प्रभु जी, एंड yes. okay. एक छोटा सा एक और स्मॉल मेरा था कि आपने आज एक टॉपिक लिया था कि मंत्रा, अगर हम गलत मंत्रा करेंगे तो हमारे बैड इफेक्ट हो सकते हैं गलत मंत्रा से, वी शुड नॉट चांट मंत्रा इन द रॉन्ग वे विदाउट प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। तो प्रभु जी हमारे फैमिलीज में या मेरे जो सर्कल है उसमें कुछ लोग गायत्री मंत्र करते हैं प्रभु जी, और वो जैसे कि खाना बनाते टाइम जो महिलाएं हैं घर में वो खाना बनाते टाइम गायत्री मंत्र करती हैं, या ड्राइविंग करते टाइम ऑफिस से घर जा रहे हैं तो गायत्री मंत्र करते हैं। तो प्रभु जी ये मैंने आपका एक वीडियो सुना था कि अगर मंत्रा को हम गलत बोलेंगे तो फिर उसका बैड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपने अपने वीडियो में बताया था कि अगर जिह्वा तालुका से टच हो जाएगी तो वो गायत्री मंत्र का इट्स नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ गायत्री मंत्र जो स्टिपुलेटेड जो शास्त्रों के हिसाब से है, या जो समय आपने बताया था सुबह 6 बजे और शाम को, और मतलब उसको हर ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कर सकते हैं, वॉक करते टाइम करें या गाड़ी चलाते टाइम करें, तो उसका रॉन्ग इफेक्ट भी हो सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा पूजा और लाइट डाल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो इस टाइप के मंत्र कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको बहुत लाभ होगा। हाँ तो मंत्र में जैसे अलग अलग मंत्र हैं, महामंत्र को छोड़ करके हरे कृष्ण महामंत्र को आप कैसे भी जपेंगे उसका फल पूर्ण मिलेगा, लेकिन कोशिश करें उसको भी सही तरीके से जपें, कंप्लीट मंत्र जपें। लेकिन जो अदर मंत्रास हैं लाइक गायत्री मंत्र, उसके लिए बड़े नियम हैं, सुबह उठो स्नान करो, उसके बाद शूज नहीं पहने होने चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए, पद्मासन होना चाहिए, जिह्वा तालू को टच ना करे, मर्मरिंग होनी चाहिए, आपके ओठ जो है उसमें कोई जो सलाइवा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो थूक निकल गया तो वो अपवित्र हो गया। उसके बाद उसका समय फिक्स है, सुबह 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, शाम को 6 बजे, तो इस तरह से फिक्स टाइम पर फिक्स प्रोसीजर से स्नान करके बिना शूज के पद्मासन में मंत्र करना, इसको कहते हैं गायत्री मंत्र। लेकिन अब गायत्री मंत्र लोग खाना बनाते में, गाड़ी चलाते में, जूते पहनकर, कैसेट में, म्यूजिक सिस्टम में, टेप रिकॉर्डर में, दुकानों पर, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है टूवर्ड्स द गायत्री मंत्र। तो मंत्र को अगर गलत उच्चारण होगा तो श्रीमद् भागवत में आता है 5वें स्कंद में कि ये विपरीत फल प्रदान करता है, बिल्कुल अपोजिट फल प्रदान कर देता है। तो इसलिए मंत्र तार भी सकता है और मंत्र मार भी सकता है। तो कई मंत्र हैं जिन्होंने खुद व्यक्ति के अंदर अनिष्ट पैदा कर दिए हैं क्योंकि वो मंत्र हैं, लेकिन जो महामंत्र है
ये इन सारे डिफेक्ट से आजाद है, मुक्त है। इसलिए महामंत्र को आप कैसे भी जप सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। किसी भी वक्त शूज पहनकर, गाड़ी में चलते वक्त, वॉक करके, दैट इज वाई पीपल फॉलो महामंत्र। और महामंत्र में इतनी शक्ति कि इसको जपने से अन्य मंत्रों को जपने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सारे मंत्र समाहित हो जाते हैं, सारे इसके अंदर आकर मर्ज हो गए हैं। सो इफ यू आर ओनली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र तो सफिशियंट है, दैट यू नीड नॉट टू चैंट एनी अदर मंत्र मोर। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर होम, थैंक यू सो मच। ओके सो यश प्रभु आप बोल सकते हैं, अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा आपको। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जी बोले कि सर मेरा सवाल ये था कि वो सतयुग वापस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, ये तो साइकिल है ना, साइकिल में जैसे एक टायर को घुमाते हैं तो वैसे ही इसके अंदर ये घूमेगा। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी के जब 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले जीव हैं और सबसे लंबे आयु तक जीते हैं, उनके 12 आवर्स में 1000 टाइम चतुर्युग आते हैं, 1000 टाइम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 1000 बार जब घूम जाते हैं तब उनके 12 घंटे पूरे होते हैं, उतनी उनकी रात्रि होती है। तो दिन को कल्प कहते हैं और रात्रि को प्रलय कहते हैं, कल्प प्रलय, कल्प प्रलय, कल्प प्रलय, ऐसे 365 डेज तक चलेगा तब उनका एक वर्ष पूरा होगा। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे तब जाके सृष्टि का विनाश होता है, पूर्ण प्रलय आती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कलयुग के बाद भी सतयुग आना है। ओके मैं चाहूंगा कि कुछ नए डिवोटीज जो कि पहली बार इस सेशन में जुड़े, जो पहले किसी और क्लास में नहीं आते थे, तो वो बोले तो शालिनी अस्तो की माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना रियलाइजेशन या प्रश्न जोड़े। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि ये महामंत्र जाप हम कब से करना शुरू कर सकते हैं, मतलब और इसके लिए क्या वो जप माला लेनी जरूरी है, अगर आपके पास पहले से हो तो उससे किया जा सकता है? तो नाइस क्वेश्चन माता जी का, जप माला से ही जप करना चाहिए। जप माला हो सकती है नीम की लकड़ी की माला हो सकती है ना, और उसके बाद जब कुछ समय बीत जाता है तब फिर हम नीम की बजाय तुलसी की माला यूज करते हैं। तो अन्य मालाओं में से चंदन की लकड़ी की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम की लकड़ी की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, ये मालाओं को इस्तेमाल नहीं करना। भगवान कृष्ण को जो नाम जप करना उसमें ये तीन मालाओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र जाप है इसको 108 मनके की नीम की लकड़ी की माला को हमें जपना चाहिए। अच्छा, ये सोने के पहले कर सकते हैं क्या, अगर मानिए पूरे दिन समय नहीं मिला तो? कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह दोपहर और शाम। और इसमें कितना समय लग जाता है? एक माला करने के लिए 7 मिनट्स लगते हैं, 7 मिनट, 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो पूरे 108 करने में, 108 करने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। अच्छा, 7 से 8 मिनट, अच्छा ठीक है। लेट्स शो यू कि ये जो है, जैसे ये माला है ना, तो ये माला को आप पकड़ेंगे अपने हाथ में और इसके अंदर ये मनका है सेंटर जी। इसको बोलते हैं कृष्ण मंत्र। इसमें बोलना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। उसके बाद यहाँ से शुरू कर देना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर दूसरे पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर तीसरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 3 बार मैंने बोला है, ऐसे ही 108 बार बोलेंगे तो एक माला कंप्लीट हो जाएगी। इसको करने में 7 to 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे ओके ऋषभ अरोड़ा प्रभु अपना कैमरा ऑन करें, अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ऋषभ जी। प्रभु जी पिछले 2020 में मेरी मदर का देहांत हुआ था, तो उसके बाद दुख की घड़ी ऐसी आई, तो क्या दुख की घड़ी से मैं कृष्ण जी से कौन से जुड़ा, जबकि मेरी उम्र जो है 56 साल है, 56 ईयर्स है जी। और पहले से हम एस्कॉन
टेंपल जाया करते थे मुंबई में, चाहे ईस्टर क्लास में द्वारका, तो बाद में हमें पता चला, तो हम जाते थे तो हमें जैसे हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, इस्कॉन टेंपल जा रहे हैं ईस्टर क्लास घूमने, वहां जाके प्रसाद खाएंगे, वहां बैठ के थोड़ा शांति मिलेगी और आ जाएंगे जी। लेकिन जैसे माता जी का देहांत हुआ उसके बाद मेरी सिस्टर जो है वो द्वारका नजफगढ़ जो इस्कॉन का एक ग्रुप है उससे जुड़ी हुई है, तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया और फिर मैं धीरे धीरे जुड़ने लगा। और अब मेरा मन जो है इतना, अगर जैसे अब आज छठी क्लास है, सिक्स सेशन है, तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे कल मैं क्लास अटेंड कर रहा था तो मेरे बॉस जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो उनका फोन आया मेरे पास, मैंने इंटरकॉम पे उनको कहा सर मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूँ। कौन सी क्लास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं एकदम रख दिया। तो मतलब इतना वो होता है कि अगर कुछ भी मैं अटेंड कर रहा हूँ तो मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बहुत सुंदर। और मैं इस टाइम इस्कॉन अयोध्या, इस्कॉन मुंबई, इस्कॉन वृंदावन और द्वारका बहुत से जुड़ा हुआ हूँ। कई मैंने अयोध्या से भी क्लासेस चली, डिप्लोमा क्लासेस चली, तो वो भी मैंने अटेंड की, सारी अटेंड की। इवन अभी जो है इस्कॉन सिंगापुर से भी आया था। मतलब मेरा ये दिल करता है कि कृष्ण जी से मैं किसी तरीके से कृष्ण जी तक पहुंच पाऊं, कृष्ण जी मतलब इतना वो हो जाऊं मैं कि मुझे हर चीज से वो जो दुख है मेरे, क्योंकि हम जुड़ेंगे, हम उसमें मुग्ध रहेंगे, मंत्र मुग्ध रहेंगे, तो हमारे मुझे ऐसे लगता है कि दुख वो थोड़ी दूर आकर अपने आप ही वापस चले जाएंगे। और एक चीज और मुझे ऐसे लगती है कि जो हम दिन भर सोचते हैं जी, वो रात को जब सोते हैं तो हमें जो है उस टाइप के स्वप्न आते हैं जो हम सोचते रहते हैं। तो अगर हम जप करते हैं, कथा अटेंड करते हैं या इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो रात को मुझे ऐसे लगता है सोने के बाद कि मैं कृष्ण जी के द्वारका में कृष्ण जी के साथ जो है जुड़ गया, और वहां पर जो है कृष्ण लीला चल रही है, कृष्ण जी मेरे सामने हैं, मैं उनके मस्तक होकर बैठा हूं और बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके पीछे पूरा पूरा क्रेडिट मेरी सिस्टर सरिता, जो कि वो भी जुड़ी हुई हैं, उनका जाता है। वो तो काफी समय से नजफगढ़, इस्कॉन और द्वारका से जुड़ी हुई हैं। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी अपना सुंदर रियलाइजेशन बताने के लिए। ओके, पुष्पा माता जी आप अपना जो भी है शेयर कर सकते हैं, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ माता जी। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया आपका। हरे कृष्ण जी बोलिए, आप अपना ये हटा दीजिए, ईयरफोन हटा दीजिए, ईयरफोन के कारण डिस्टरबेंस आ रहा है, ईयरफोन हटा दीजिए। अभी बोलिए। जैसे मैं ये माला करती हूँ ना, तो मुझे माला करने में मतलब ध्यान भटकता है, तो इसके लिए मतलब होगा नहीं होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपका ध्यान तो मैंने आज बताया ना, ध्यान तो भटकेगा ही, ये तो स्वाभाविक है, तो उसमें इतना चिंतित नहीं होना है, बस हमको बोलना है और ध्यान से सुनते रहना है। धीरे धीरे भगवान कह रहे हैं नियम का पालन करने से धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। जैसे ध्यान भटका तो उसमें लाए तो और चले जाता है ध्यान, तो उसको दो मिनट के लिए रोक कर जोर जोर से हाथ से ताली बजाइए, कीर्तन करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस उसके बाद दोबारा माला प्रारंभ कर दीजिए। जैसे प्रभु जी अभी आपने माला बताया, जैसे माला उल्टी सुलटी ये क्या होता है? उल्टी सुलटी मतलब जैसे माला करते हैं ना ऐसे ऐसे, तो उसको इधर को ले लाना होगा या इधर को लाना होगा? उसको मनके की साइड से
ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, फिर पूरी जब माला घूम जाती है फिर उसको वापस लेकर जाते हैं, एक माला सीधी एक माला उल्टी। अच्छा ठीक, इसको माला को ऐसे करना होता है पुष्प माता जी, देख लीजिए, एक बार माला लाए, माला करते 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 आए और जब माला के अंत में पहुंच गए यहाँ पे, तो माला के मनके को ऐसे करके घुमा दिया पूरा ऐसे, और अब ये उल्टी माला शुरू हो गई, यहाँ से छोटे से बड़े मनके की तरफ जाने लग गए, फिर ये माला ऐसे जाएगी ऊपर से नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है ना, ये ऐसे जाती जाएगी, बस ये करना। ओके, मीनाक्षी कन्वर माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को पूछना था एक बात है, जैसे कि मेरे पिताजी हैं तो वो गौ सेवा करते हैं, फिर परोपकार जैसे कि मतलब किसी ने हेल्प मांगी तो कर दी, तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि चैंट किया करो, हरे कृष्णा महामंत्र जपा करो, तो बोले यही मेरा सब कुछ है, मतलब वो हालांकि भगवान को मानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जप कर नहीं पाते, पर वो बोलते यही सब कुछ मेरा है। मैंने बोला कि ये भी करो, पर इससे जन्म मरण के चक्कर से बंदा छूटता नहीं है। प्रभु जी इसके बारे में आप कुछ बोलिए। ये बात तो सत्य है कि भगवान का नाम जप नहीं करेंगे तब तक वो मुक्त नहीं हो सकते संसार से, इवन अपने जीते जी भी संसार में हमेशा व्यक्ति को कुछ ना कुछ मन की परेशानियां सताती रहेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, शास्त्र में प्रमाणित है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार, जो व्यक्ति नाम के आधार पर अपने जीवन को चलाता है वो इस भव सागर से पार जाता है, और जो लोग भगवान के नाम का सहारा नहीं लेते हैं परोपकार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कर परोपकार, पहले अपने उपकार करो, भारत भूमि ते जन्म ले ले भगवान यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, पहले अपना जन्म सार्थक करना चाहिए फिर दूसरों पर परोपकार करना चाहिए। मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है, मैं चला हूं दूसरों की मदद करने तो कैसे मदद करूंगा, सो इसलिए हमें जो है परोपकार करने से पहले अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप के अपने जीवन को सार्थक करें। आज हम लोग भी इस्कॉन के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गाय की मदद करते हैं, पर पहले अपना जीवन सार्थक किया, बिना नाम जप किए जो भी आप करेंगे उसका फल नहीं मिलने वाला, उसका फल अधूरा फल होता है, पूर्ण फल नहीं है, क्योंकि परोपकार हमको अहंकार की भावना देगा कि मैं करना हूं, मैं करता हूं। अब जब मैं की भावना आएगी तो मैं तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तो मेरा मैं मुझे इस संसार में बांध देगा, तो अगर मैं से मुक्त होना चाहता हूं, इस प्रवृत्ति को नष्ट करना चाहता हूं, तो दास भावना में आने के लिए मुझे भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। प्रभु जी मतलब कि ये जो लाइव सेशंस आपके होते हैं इसको बंद मत करना, जारी रखना, मतलब कि आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ तक कि मैं ये सोच रही थी गोपी चंदन वाला जो तिलक लगाते हो आप, वो किस तरह से लगाते हो, मैंने ट्राई किया था मेरे से लगा ही नहीं, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, और ऊपर से ये पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो मेरे को बड़े ज्यादा मतलब जिसको बोलते हैं ना अट्रैक्शन होती है, जैसे बंदे को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, मेरे को इन पीले रंग की चीजों से वैसी अट्रैक्शन है, और ये तिलक जो लगाते हैं वो मतलब बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है, पर जिसको बोलते हैं ना एक प्रॉपर गाइडेंस आपके थ्रू मिल रही है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये तो एक कृष्ण ब्लेसिंग है कि आपके थ्रू मेरे को कृष्ण भावना भावित होके मतलब उनके बारे में जानना जानने को मिल रहा। आप कहाँ रहती हैं मीनाक्षी जी? प्रभु जी हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल का कोई है ही नहीं, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लोग कमा कमा के मतलब कि इतना भर जा रहे, मकान है, फिर चुगली चर्चा ये सब मतलब फालतू के पंचों में पड़े हैं, मतलब कि एक इस्कॉन टेम्पल में दिल्ली में वहां पे जुड़ी थी कैलाश कॉलोनी से, वहां पे जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो मैं बोलती थी क्या करे जा रहे ये, मतलब कि मतलब बेचने का काम कर रहे, बेचने मतलब बुद्धि थी नहीं उस टाइम पे, फिर एक टाइम ऐसा है कि यार ये श्रीला प्रभुपाद जी मतलब उन्होंने ऐसे किया, मतलब इतना मतलब मन आनंदित हो जाता है हरे कृष्णा महामंत्र से, मतलब अभी वो चीज और मतलब एकदम से चेंजेस वैसे आना तो बहुत बड़ी बात है, और आपसे जुड़ना
आपसे जुड़ने से पहले मैं ये बोलती थी कि हे कृष्ण भगवान, मेरे को डिवोटीज चाहिए, डिवोटीज संग चाहिए। जैसे कि आपके थ्रू ये बार बार बातें मतलब सुनने को मिलती हैं कि संग बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, भौतिक संग होगा तो अब बस आपके अंदर भौतिक कामनाओं की जिसको बोलते ना अपेक्षा होगी, और मतलब शरीर खत्म भी हो जाएगा फिर भी बोलेगा नहीं मेरे को तो गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, बस इसी में डूब के इंसान मतलब ये शरीर छोड़ेगा और बोलना नहीं नहीं ये मेरा ही है, मेरा ही है। मतलब वो जो जिसको बोलते हैं ना ये रास्ता मेरे को चूज नहीं करना, बस ये है कि कृष्ण भगवान राधा रानी की कृपा से आप मतलब इतने सारे डिवोटीज जुड़े हैं और उनसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है मतलब आपके थ्रू। वो ये लाइफ बंद मत करना प्रभु जी, ये आप विनती है। हाँ ठीक है, आप जुड़ी रहिए, हमारे सेशंस तो चल रहे हैं सालों साल से चल रहे हैं और आप उसमें रहेंगी। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप जैसे अच्छे भक्तों का गाइडेंस कर सकूंगा, तो प्लीज आप हमारे ग्रुप में रहिए, ग्रुप में सारे सेशंस सिखाए जाएंगे। आप बात और है मतलब संडे का सेशन तो मैं आराम से अटेंड कर लूंगी, मतलब अभी जैसे कि जॉब वॉब करती हूँ ना तो उसमें सैटरडे मेरे को सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, काम करते करते ये सेशन कैसे सुनूं। और जैसे कि ईयरफोन पे सल्ला लो, वीडियो ऑफ करके रख दो बस। अच्छा प्रभु जी, पर वो क्या होता है ना जैसे ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे बंदा पैसे कमा कमा के मतलब ये जो आप डायरेक्शन दे रहे हो या मैं आपकी डायरेक्शन समझ रही है तो कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, पर लोग बोल ये तो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, ये चक्करों में पड़ी है, मतलब जैसे कि एक मेंटल स्टेट है बंदे की वैसी है। अब इस पे क्या कमेंट करूं मैं, इसलिए बच करना है कुछ नहीं करना है, जस्ट लोगों को बोलने दो, उनका काम है बोलना, आपका काम है नहीं सुनना और अपने अपने लक्ष्य पे चलते रहना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू मीनाक्षी माता जी, थैंक यू। अपर्णा कुंडू माता जी फरीदाबाद से। हरे कृष्णा, आपने इतने सिंपल वे में मतलब रिजिडिटी को तोड़ा, very flexible. I am connected to various ISKCON, Faridabad and in Maharaj, your voice, there is a background noise, can you come in another room? Are you able to? Yeah, now I can hear, yes. Yeah. Thanks for breaking that voice in simple way in order to relate Eternal Lord. I'm connected to ISKCON and thanks for all the ISKCON. They are doing a grand some work. Thank you. Continue with this simple lectures. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Okay. प्रीति माता जी, यू कैन शेयर और यू कैन आस्क, अपना वीडियो स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी जी बोलिए। हरे कृष्णा, यस हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है आपका सेशन सुन के। मतलब मैं प्रभुपाद जी का कल एक मूवी देखी थी, उनपे जो मूवी बनी है शॉर्ट फिल्म, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं बुक्स के थ्रू अपना जिंदा रहूंगा। तो पहले मुझे लगता था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे आप इतना क्यों जोर डालते हैं, वो इसलिए ही है। तो और वो बहुत अच्छी चीज है। और कहते हैं ना कि आप जो बोल रहे हैं कि हम भक्त बनाना चाह रहे हैं, हम सारा कुछ लोगों का माइंड वॉश करना चाह रहे हैं जो कि डर्टी है, आप ब्रेन वॉश रियली ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो ये अच्छे के लिए ब्रेन वॉश है। मैं अभी रिसेंटली कनेक्ट होना चाह रही थी एक है यहाँ पे अब्राहम कुमारी के वहाँ पे, तो वहाँ पे वो वही सिखाते, बोला था उन्होंने कि मनुष्य मनुष्य में ही जन्म लेगा एंड तो वो थोड़ा मेरे को थोड़ा ये था कि अरे ऐसे कैसे फिर वो स्वर्ग नर्क कहाँ गया हमारा। उनकी वीडियोस मैंने देखी थी तो, और ऊपर से ये है कि आप बेस्ट है कि कहते हैं ना कि ज्ञान देना है
तो अगर ज्ञान को अगर तुम चार्ज करोगे तो वो ज्ञान ही रह जाता। तो जरूरी है, मनी भी जरूरी होता है किसी भी चीज को चलाने के लिए, आजकल वो बहुत जरूरी है, लेकिन भक्त बनाने के लिए वो जरूरी नहीं है। तो ये जो इस्कॉन का है सिस्टम, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप पैसे दो नहीं दो, दान करो नहीं करो, लेकिन भक्त जरूर बनो, बस। ये मेन है इनका, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस्कॉन से। मैं लाइक मेरे को प्रभुपाद, एक मेरी फ्रेंड बोलती थी कि कृष्ण भक्त वो है कि जिनको देखते ही तुम्हें कृष्ण याद आए, तो मुझे इस्कॉन में सबको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, प्रभुपाद जी को मेन देख के कि उनको मैं देखती हूँ तो ऐसा कृष्ण याद आते हैं सीधा, ठाकुर जी की मूर्ति ऐसा लगता है कि मैं उनको देख रही हूँ उनके थ्रू, और आप सब भक्तों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, उनको ही कनेक्ट हो पा रही हूँ मैं उनके थ्रू। कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्योर नहीं है माइंड, माइंड इतना अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, तो आपके थ्रू हो रही हूँ तो बहुत अच्छा है। और ऑनलाइन के थ्रू कनेक्शन, मतलब मैं मंदिर नहीं आ सकती, मैं मंदिर नहीं जा सकती, यहाँ पे इस्कॉन नहीं है, एक कृष्ण टेम्पल है बहुत दूर है, वीकेंड्स पे नहीं जा पाते हैं, लेकिन हाँ, ऑनलाइन के थ्रू हो रहे हैं कनेक्ट, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है इस्कॉन के तरफ से। और आप जो, आपकी मैंने और भी वीडियोस देखी हैं, और अभी जो आपने भागवतम में एक लेक्चर था अभी लास्ट सैटरडे को ही था, कल था शायद, वो मैंने सुना, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जो प्रहलाद महाराज की थी कहानी, बहुत बार सुनी है कहानी लेकिन दिल तक नहीं पहुंची थी, दिमाग तक ही रहती थी सिर्फ। तो वो है, दिल तक पहुंची, दिमाग तक पहुंची, सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक आई ओपनर था कि हाँ, अंत तो सबका है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी कर लो कहीं नहीं हो सकता, कुछ नहीं बच सकते तुम, तुम्हारे पास एक ही सहारा है सिर्फ कृष्ण। ओनली ऑप्शन। हाँ जी। और प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप कल भागवतम कर रहे थे, तो मैं ऑन लाइव देख रही थी यूट्यूब पे, और उसी टाइम पे मैं चैंटिंग कर रही थी, तो इज इट करेक्ट? वी शुड नॉट एक्चुअली, द स्टैंडर्ड सेज दैट वी शुड डू वन डिवोशनल सर्विस एट वन टाइम, एक वक्त पर एक ही कार्य करें, लाइक व्हेन वी आर हियरिंग वी शुड नॉट चैंट, व्हेन वी आर चैंटिंग वी शुड नॉट डू अदर एक्टिविटीज। ओके, अच्छा, सम टाइम क्या होता है जैसे कि माइंड इधर उधर जाता है, तो वो करने के लिए मैं क्या करती हूँ, टीवी पे जैसे कि लाइव सेशन लगाती हूँ, बट मैं उसको साउंड बहुत कम कर देती हूँ, बट दिमाग आंखों के आगे इस्कॉन के भक्त हैं जो सारा वो लाइव दिखा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, बट वो लो उस पे है, लाइक उसमें साउंड नहीं है, म्यूट करके, तो मेरा विजन वहां रहता है, तो दिमाग कृष्ण आई कृष्ण पे कॉन्टेक्ट रहती है, तो मेरा कंसेंट्रेशन वहां रहता है, तो माइंड फिर कहीं और नहीं जाता, तो वो करेक्ट है क्या? You can place a picture of जो कि आपको बहुत सबसे favorite picture है आपका भगवान का, that picture you can keep in front of you and focusing on that picture you can chant Hare Krishna mantra. Okay, okay. और बाकी मैं ऐसा भगवत तक के टाइम पे नहीं करना चाहिए सती। Okay. Thank you प्रभु जी, seriously बहुत blessings है आप लोगों की, और आप लोगों का बहुत अच्छा है ये जो भी आप काम कर रहे हैं, कार्य आपका बहुत ही अच्छा है, मैं इसको शब्द में बयान ही नहीं कर सकती। थैंक यू प्रीति माता जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। प्रियंका कश्यप माता जी, अपना वीडियो स्टार्ट करें। बोले माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने मुझे अपने क्लास में जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 8 साल से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, जो मुझे मन की, हाँ जी, मैं इस्कॉन छिपीवाड़ा चांदनी चौक से हूँ जी, और जो मन की शांति मिली है मुझे इस्कॉन से, मैं आके मिली है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया हमें। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, ब्रजमोहन नागर प्रभु। अनम्यूट करिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रणाम प्रभु जी, मैं काफी दिनों से जुड़ा हूँ आपसे, कोरोना के टाइम से, मतलब 2020 से जुड़ा हूँ।
अच्छा आपकी, जी आपकी भगवद गीता ली थी मैंने 17 जुलाई के लगभग। अच्छा। तब से अभी तक 4 बार पढ़ चुका हूँ मैं। बहुत सुंदर। आपको मैसेज भी करता हूँ प्रभु जी, कल भी किया था शायद, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14 श्लोक आया था उसमें। जी 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 ठीक है। अच्छा है प्रभु जी, मैं माला करता हूँ तो काफी, पहले मैं मूवी देखता था जैसे 4-5 मूवी रोज देखता था मैं मोबाइल पे नेट से। हाँ। जिंदगी खराब कर रहा था मतलब अपनी। हाँ। 4-5 मूवी रोज देखना मतलब बहुत उल्टे काम करते थे, बहुत गलत काम करते थे। जब से फिर मूवी देख रहा था तो एक बार एड आया प्रभु जी का, अमोघ लीला प्रभु जी का, तो मैंने उनको यूट्यूब पे देखा, फिर आपका आया तो आपको देखा, फिर तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ 1-1.5 साल से। थैंक यू। तो काफी बदलाव आया। और आप इंदौर में रहते हैं? जी जी प्रभु जी। हाँ हाँ जी, आपसे बात होती रहती थी प्रभु जी। हाँ, हाँ। तो पहले मैं माला करता था 16, तो अभी बीच में बंद हो गई थी वापिस से घर में कुछ प्रॉब्लम के कारण, फिर अभी वापिस 12 करता हूँ। तो सुबह उठ के कर लेता हूँ, जैसे मैं अभी 5-5:30 बजे जब भी उठता हूँ बिना नहाई कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम है घर में। और उसके बाद में जाने के बाद में कर लेता हूँ, आधे घंटे गीता पढ़ता हूँ। आपके एसोसिएशन से चल रहा है प्रभु जी, अभी काफी बदलाव आया है। अब मैं मतलब जैसे 1.5-2 साल हो गए ना टीवी, ना कोई भी वीडियो दूसरा कोई भी, ना किसी की कोई प्रजल्पा, कुछ नहीं करते इधर उधर। 4-5 घंटे आपका लेक्चर चलता है काम। 4-5 घंटे एक बनाता हूँ तो 4-5 घंटे घंटे लेक्चर सुनते हो? जी बाबू, डेली 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 प्रभु जी, क्योंकि मेरी 9 घंटे की जॉब है। हाँ। जब तक है, जब तक ये डिस नहीं हो जाता, लो बैटरी नहीं हो जाती इसकी, तब तक चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू ब्रजमोहन प्रभु, क्या है जॉब? ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अल्पना ज्वेल माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी आप लोगों का सेशन बहुत अच्छा था, अभी शब्दों में वाक्य में बयान नहीं कर सकते, जिंदगी बदल गई। अभी तक जिंदगी में बस ये ढूंढ रही थी कि लाइफ को करना है। पूजा करती हूँ, माता पिता कृष्ण भक्त के बहुत बड़े डिवोटी थे, पर बस मन के अंदर मैं भी आ गई हूँ कृष्ण की भक्ति में। माला करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, भोग लगाती हूँ। अब घर जो है वो मंदिर बन गया है ऐसा लगता है। जय हो, जय। ऐसा लगता है सभी सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर प्रभु जी मन के अंदर बस एक सवाल बहुत टाइम से आता है। माता पिता ने बहुत भक्ति करी, पर जब अंतिम समय आया, मेरी माता जी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, माता जी ने आखिर के जाते समय के 10 साल बहुत दुखदायक काटे, बहुत दुखदायक काटे। मतलब माता जी ऐसी थी कि बेड में ही लेट गई थी, एक मतलब वृंदावन से ही वापस आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, बस में सबसे लास्ट की सीट में थी, नीचे गिर गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, बेड में रही। पर माता जी धीरे धीरे ब्रेन पे असर पड़ा, बोलना भी बंद हो गया, पर मेरी माता जी माला कभी करना छोड़ी नहीं। एंड टाइम पर जाते जाते तक माला नहीं पकड़ पाती थी, पर उनका हाथ ऐसे ही रहता था। वो उन्होंने जो अपना बैकुंठ धाम गई वो भी हाथ ऐसे ही रखते थे। पर मेरा तब से प्रभु जी एक सवाल हमेशा आता है कि माता जी ने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, उनके ऐसे कष्टदायक समय क्यों आया? देखिए इसका इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ में, और बाकी डिवोटीज के भी हैंड रेज है, मैं आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे जूम का एक टाइम होता है, उसके बाद हमारी दूसरी क्लासेस होती हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। तो माता जी ऐसा है कि इस प्रकार से होता है कि एक बार भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे और वो जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, और उन्होंने अपने जीवन में पूरा भक्ति करी, पूरा जीवन भक्ति करी। अंत काल में उनको एक ऐसा रोग हो गया कि उस रोग में उनको बेड पे ही टॉयलेट करना है, बेड पे ही सब कुछ करना है, स्थिति बड़ी गंभीर थी। तो उनके जो शिष्य थे वो भी वो गुरुजी को छोड़कर चले गए। जब शिष्य भी चले गए तो बड़े दुखी रहते थे कि अब मैं नहा भी नहीं पाता हूँ, मैं तो इतना साधु था, इतना भजन करता था, क्या स्थिति ले आती भगवान तुमने। तो एक दिन एक लड़का आता है, और लड़का आकर के उनसे कहता है कि क्या गुरुजी मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ?
तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ से, आपका दूर का ही हूँ, उड़ीसा का रहने वाला हूँ, पर आपकी सेवा में आया हूँ। ठीक है चलो तुम आए हो, पैसा दे दूंगा, तुम सेवा करो। खैर पैसा नहीं चाहिए, बस रोटी बनाऊंगा, आप भी खा लेना, मैं भी खा लूंगा, और सामान तो आपके घर में है ही। कहा ठीक है। इस तरह से सेवा करता रहा, 3 साल उसने सेवा करी। 3 साल जब निकल गए तो उनकी स्थिति सुधरने लग गई, वो ठीक हो गए, चलने लग गए। तो एक दिन उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा, पहले तो मैं बेहोश रहता था, ठीक नहीं था, अब मेरी स्वास्थ्य ठीक है। ये तो बताओ कि तुम हो कौन, तुम में इतना तेज है और तुमने कभी अपना नाम नहीं बताया, अपने माता पिता से नहीं मिलवाया, ना वो आए तुमसे पूछने, कौन हो तुम? बोला नहीं, मैं पास के गांव का था, आप ठीक हो गए तो मैं चला जाता हूँ। कहा नहीं नहीं बच्चे बताओ। तो उन्होंने बोला कि जब काफी जिद हुई, वो भी बड़े भक्त थे तो पहचान गए, बोले आप भगवान है? तो बोले हाँ मैं भगवान हूँ, मैं जगन्नाथ हूँ। बोले आप जगन्नाथ, आप भगवान थे तो आपने मेरी इस बुरी स्थिति में आपने इसको सुधार क्यों नहीं दिया? या तो सुधार देते, या तो मेरी मृत्यु आ जाती तो मुझे ये 3 साल तकलीफ के नहीं झेलने पड़ते, तो दोनों में से कुछ तो करते, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान बोले कि देखो कि अगर मैं तुम्हारे प्रारब्धों को कट के चला जाता तो तुम्हारे जो कर्म का साइकिल है तो लोगों के अंदर डर खत्म हो जाता। लोग बोलते कुछ भी करो, भगवान के आगे पूजा कर लो तो सारे प्रारब्ध कट जाएंगे, फिर तुम पाप कर सकते हो, तो लोगों को इस मंशा आ जाती। दूसरा, जो तुम्हारे पाप रह गए थे अगर मैं उसको काटने की बजाय तुम्हारी मृत्यु दे दूं तो तुम्हारे जो 3 साल के जो पाप रह गए हैं इसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर तुम्हें कष्ट भोगने पड़ेंगे, किसी घर में लंगला लूड़ा बन के आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि तुम्हारे जो पाप थे उनको पूरा जीवन काल इकट्ठा रखा कि अंत में इसको भोग लेना, और अंत में जो भोगना था उस पर भोगने में तुम्हारी शक्ति नहीं थी कि तुम भोग सको, तो मैं ही तुम्हें आया भोगवाने के लिए, तो मैंने सेवा करके तुम्हारे प्रारब्धों को काटने में तुम्हारी मदद करी, अब सारे प्रारब्ध कट गए, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, अब तुम शरीर छोड़ोगे, तुम भगवत धाम चले जाओगे। अच्छा, तो माता जी को वैकुंठ धाम मिल गया। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बस मेरे मन के अंदर की यही शंका थी, मैंने कहा वैकुंठ मिलना चाहिए, मिलेगा। देखिए भगवान ने बोल दिया है, जो मेरा भजन करते हैं है ना, सतत कीर्तयन्तु माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य अभिक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा सतत कीर्तन करते हैं उनका योगक्षेम मैं करता हूँ, जो नहीं है वो मैं उन्हें प्रदान करूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो कई बार लोग बोलते हैं कि फिर लॉस कैसे हो गया मेरे बिजनेस में, भगवान किस किस की रक्षा कर रहे हैं? भगवान आपके आध्यात्मिक भाव की रक्षा करेंगे। आपने माला कर ली वो खराब नहीं जाएगी, एक एक माला एक एक मनके को भगवान याद रखेंगे और जितना किया उतना भगवान आपकी रक्षा करेंगे और भगवत धाम लेकर के जाएंगे अंत में उस व्यक्ति को। तो इस तरह से भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर होना चाहिए और भगवान कभी किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करते हैं, भक्त को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो भगवान करते हैं इसके लिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज रजत यू कैन टेक ओवर नाउ। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतने अच्छे सेशन के। अनम्यूट कर लीजिएगा रजत, सॉरी गलती से म्यूट हो गया एक बार। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतने अच्छे सारे सेशंस के लिए, आपने 6 सेशन करे और आगे भी आप इससे कंटिन्यू रखेंगे, तो सभी डिवोटीज आगे भी जुड़े रहें। हर सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, नेक्स्ट सैटरडे संडे सर्टिफिकेट सेशन होगा दोनों में से एक दिन, और सभी भक्त जुड़े रहें। किसी ने 1 सेशन भी लिया है तो वो भी जुड़े रहें, और किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है वो सभी जुड़े रहें। और नेक्स्ट वीक हमारे बीच होंगे हिस्क्रिस प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी, इस्कॉन द्वारका दिल्ली के टेम्पल प्रेसिडेंट, और अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगे। और अभी ये ग्रुप्स एडमिन कंट्रोल्ड है, अभी कुछ टाइम के बाद ये पब्लिक हो जाएंगे और सभी डिवोटीज अपना सभी क्वेश्चंस और अपनी रियलाइजेशन ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, एक बार ही मैं अनम्यूट करना चाहूंगा सभी डिवोटीज को ताकि वो आपका हरे कृष्ण महामंत्र बोल के थैंक यू कर सकें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम।